हां जी, तो आप लोगों का ब्रेक कंप्लीट हो गया है और ब्रेक के बाद अब आप लोग वापस आ गए हैं अपने सेकंड पार्ट के लिए। तो चलिए बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले अगर आप लोग मेरा ये वीडियो सेंटर पे देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप लोग पेन ड्राइव में देख रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लोग मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग नीचे जाओ और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दो, ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूं रिवीजन के लिए या थियरी के लिए तो वो अगला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जल्दी चाहिए तो आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। खैर, अब ये वाली बातें तो हो गई भैया, प्रमोशन वाली सारी बातें हो गई, अब आते हैं मुद्दे पर। अभी ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल के बारे में कि ये क्या चीज है। दोस्तों, बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल जो है ये बहुत सारे देशों के द्वारा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, एसोसिएशंस के द्वारा स्टार्ट किया गया, और ये इसलिए स्टार्ट किया गया ताकि लोगों में क्वालिटी के प्रति या मैनेजमेंट फिलॉसफी को और बेटर तरीके से लगाने के प्रति ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो। एक बात मेरी समझना, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर हमने एक अवार्ड शुरू किया कि जो एम्प्लॉई सबसे अच्छे सजेशन देगा हम उसे इनाम देंगे। अब ऑब्वियस ही बात है, जब हम लोग ये अनाउंस करेंगे तब इतना मोटिवेशन या इतना जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है 100 में से 10 लोगों ने हमको बढ़िया आइडिया दिए और उनमें से हमने किसी एक को अवार्ड के लिए सिलेक्ट कर लिया। अब अगर अपन एक प्रॉपर सेलिब्रेशन अरेंज करें और वहां पर उन 10 लोगों में से किसी एक व्यक्ति को अवार्ड दे दें, तो अवार्ड सेरेमनी से जो बाकी के 90 लोग जो आइडिया देने के प्रति बहुत गंभीर नहीं थे, जो लोग आइडिया देने को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे, जिन्होंने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया, उन लोगों को भी नजर आएगा कि नहीं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अवार्ड मिल रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, तो जो 90 लोग पहले इन्वॉल्व नहीं थे उन्हें भी इन्वॉल्व होने का मोटिवेशन मिलेगा। तो पॉइंट यहां पर सिंपल वही था, जब हमने बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड लॉन्च किए तो बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स में पहले जब लोगों को अवार्ड मिलने लगा तो वो लोग, वो कंपनीज, वो एंटिटीज जो इसको लेकर के सीरियस नहीं थी वो भी इसे लेकर के सीरियस हो गई, और वो लोग जब सीरियस हुए तो ऑटोमेटिकली पूरी इंडस्ट्री को फायदा हुआ, पूरे कंट्री को फायदा हुआ, पूरी ह्यूमैनिटी को फायदा हुआ, एंड दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, अच्छा, वैसे देखा जाए तो बहुत सारे बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स हैं, जैसे EFQM है, मेलकम बेल्ड्रिज मॉडल जो है वो है, सिंगापुर मॉडल है, जापान मॉडल है, ऑस्ट्रेलियन मॉडल है, इसके अलावा और भी बहुत सारे बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स हैं, लेकिन बेसिकली जितने भी बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स हैं सबके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल सेम है। सबसे पहला हम ये देखेंगे कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो आपके बिजनेस के हर एक एरिया में कैसी रही है, मतलब जो आपकी काम करने की एफिशिएंसी है, जो आपके बिजनेस के हर एक सेगमेंट में कैसी रही। नंबर दो, हम ये देखेंगे कि आपका जो वेस्टेज है वो आप कितना मिनिमाइज कर पाए, और तीसरा जो है वो हम लोग देखेंगे कि आप अपने एम्प्लॉइज की लॉयल्टी को कितना इंक्रीज कर पाए, मतलब आप एम्प्लॉइज के लिए कितना बेनिफिशियल काम कर पाए, आपने एम्प्लॉइज के लिए कितना बेटरमेंट का काम कर पाए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एम्प्लॉई की जो लॉयल्टी है वो आपकी तरफ बढ़ गई है। इसका मतलब आपके एम्प्लॉई आपके ऑर्गेनाइजेशन को कितना अपना समझ के चलते हैं, कितना उसके लिए मेहनत करते हैं, कितना आपका लेबर टर्नओवर कम है, वो भी हम लोग आपका देखेंगे, और इन तीन मुद्दों पर हम आपको अवार्ड देंगे। सबसे पहला आपके बिजनेस की एफिशिएंसी, कि आपने अपने बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट में कितनी एफिशिएंसी दिखाई है। नंबर दो, आपने वेस्ट मिनिमाइजेशन कितना किया है, और नंबर तीन आपकी एम्प्लॉई लॉयल्टी जो है वो किस तरह की रही है। तो बेसिकली तीन बातों पर ये मॉडल्स बेस्ड है। अच्छा, अब दोस्तों वैसे तो ये बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन मेनली जो अपने को डिस्कस करना है वो अपने को EFQM और बेल्ग्रिज क्राइटेरिया जो है ये अपने को डिस्कस करना है। देखो दोस्तों, जब आप लोग आगे चलोगे अपने जीवन में, जब आप बिजनेस एक्सीलेंस प्लानिंग करोगे, बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड पाने की कोशिश करोगे,
तब आप लोग इन मॉडल्स को डिटेल में स्वयं पढ़ोगे और स्वयं पढ़कर के आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को इन अवार्ड्स के लिए एलिजिबल बनाओगे। लेकिन यहां पर हम आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं, और बेसिक आइडिया देने के लिए जो सबसे पॉपुलर बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड है, हम उन्हीं की बात आपके साथ में कर रहे हैं। एक मैं बात करूंगा EFQM की, और दूसरा मैं बात करूंगा बेल्ग्रिज क्राइटेरिया की। ठीक है, तो इन दो की बात अपन लोग करेंगे। चलिए सबसे पहले अपन लोग बात शुरू करते हैं EFQM एक्सीलेंस मॉडल की। दैट इज यूरोपियन मॉडल। बेटा ये जो EFQM है, ये तो है यूरोपियन मॉडल, और मेलकम बेल्ड्रिज मॉडल जो है वो है US मॉडल। तो ये जो अपन लोग पढ़ रहे हैं, ये EFQM बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल, ये यूरोपियन मॉडल है। और इस मॉडल में बेसिकली तीन बातें कही गई हैं। सर तीन बातें क्या? पहला तो इन्होंने बताया कि एक बिजनेस में एक्सीलेंस अचीव करने के लिए 8 क्राइटेरिया है या 8 फंडामेंटल्स हैं, और वो फंडामेंटल्स जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड नहीं जीत सकते। तो सबसे पहले तो इन्होंने बताया 8 फंडामेंटल्स के बारे में। ठीक है, मतलब अगर आपको बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड अगर आपको जीतना है तो आपको ये 8 फंडामेंटल जो है वो आपको स्ट्रांग करने होंगे। नंबर दो, फिर इन्होंने बताया कि जो हमारा बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड है उसके लिए 9 क्राइटेरिया है, वो 9 क्राइटेरिया क्या है वो। एंड लास्ट वन इज, ये जो 9 क्राइटेरिया है इनको फुलफिल करने के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो इन्होंने बताया रडार में। तो इन्होंने बेटा ये जो मॉडल है ये बेसिकली तीन बातें आपको बता रहा है। एक, बिजनेस एक्सीलेंस के 8 फंडामेंटल्स हैं, जब तक ये फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप बिजनेस एक्सीलेंस अचीव नहीं कर सकते। नंबर दो, बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड जब हम आपको देंगे तो आपको पॉइंट जो दिए जाएंगे वो 9 बातों पर दिए जाएंगे। वो 9 बातें क्या हैं वो हम आपको बताएंगे, दैट इज कॉल्ड क्राइटेरिया। और तीसरा, फंडामेंटल्स को स्ट्रांग करना और क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना, इसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए वो हम आपको यहां पे बताएंगे, दैट इज कॉल्ड राडार, RADAR। मतलब ये कुल मिलाकर 5 चीजें हैं, और ये पहला शब्द है, आर से, ए से, डी से, ए से, आर से। तो ये 5 एक्टिविटीज हैं जिनका पहला अक्षर लेकर के हमने बना दिया रडार अप्रोच। ठीक है, इन तीन चीजों के बारे में हम लोग आपको बताएंगे। सबसे पहला ये अप्रोच बताती है कि 8 फंडामेंटल है, मतलब अगर आपको अपने बिजनेस में एक्सीलेंस अचीव करनी है तो आपको 8 फंडामेंटल अचीव करने होंगे। सबसे पहला फंडामेंटल है एडिंग वैल्यू टू कस्टमर, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप जो भी काम कर रहे हो आप उसमें दिमाग ये लगाओ कि इस काम से, इस एक्टिविटी से, इस वर्क से कस्टमर के लिए क्या वैल्यू ऐड हो रही है। अगर वैल्यू ऐड नहीं हो रही तो आप उसे बंद करो, वैल्यू ऐड हो रही है तो आप उसे और बेटर तरीके से परफॉर्म करने का रास्ता ढूंढो ताकि कस्टमर को मिलने वाली वैल्यू और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब कस्टमर के लिए वैल्यू कैसे इंक्रीज करें, आप कस्टमर की वैल्यू चेन को देखो, आप कस्टमर का प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का तरीका देखो और दिमाग लगाओ कि आपके प्रोडक्ट में, आपके काम में, आपकी एक्टिविटी में क्या बदलाव हो कि कस्टमर को आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करना ज्यादा इजी लगे, कस्टमर को आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में कम टाइम लगे और उसे ज्यादा फायदा हो। ठीक, तो कस्टमर के लिए वैल्यू एड कैसे की जा सकती है इसमें दिमाग लगाते चलना है हर जगह पर। नंबर दो, क्रिएटिंग सस्टेनेबल फ्यूचर। बेटा एक बिजनेस का जो पर्पस है वो ये नहीं कि प्रेजेंट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाए, बल्कि बिजनेस को अपना फ्यूचर जो है वो भी सस्टेन करना होता है। अगर कोई बिजनेस अपना फ्यूचर हमेशा के लिए सस्टेन नहीं कर पाए तो ऐसे बिजनेस का भी कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन आता है, सर सस्टेनेबल फ्यूचर अचीव करने का क्या तरीका है? बेटा सस्टेनेबल फ्यूचर अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और इनोवेशन पे और इम्प्रोवाइजेशन पे लगातार ध्यान देते हुए चलना होगा। अगर आप लोग लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हो, आने वाली नई टेक्नोलॉजी, नई डिमांड के हिसाब से अपने आप को लगातार इम्प्रोवाइज करते जा रहे हो, इनोवेट करते जा रहे हो,
तो आपका फ्यूचर सस्टेनेबल रहेगा, अदरवाइज आपका फ्यूचर सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो कस्टमर के लिए वैल्यू एडिशन में दिमाग लगाना है हमेशा। नंबर दो, अपना सस्टेनेबल फ्यूचर डेवलप करने में दिमाग लगाना है। नंबर तीन, डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेबिलिटी है आपको हमेशा उसे लगातार इंक्रीज करते जाना है। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए ऐसे बहुत सारे कॉम्पोनेंट थे जो पहले आपको बाहर से खरीदने पड़ते थे, लेकिन अब आपने उन सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स को घर में बनाना शुरू कर दिया, इसका मतलब आपने ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को इंप्रूव किया है। तो आपको तीसरा फंडामेंटल है बिजनेस एक्सीलेंस अचीव करने का कि आपको ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज इंक्रीज करनी है। पहले आठ काम मैनुअली होते थे, अब हमने तीन कामों के लिए मशीनें लगा दी हैं, अब सिर्फ पांच काम है जो मैनुअली होते हैं। तो इसका मतलब हमने ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी इंक्रीज की है, ठीक है। चौथा फंडामेंटल है हार्नेसिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। बेटा हमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है वो हार्नेस करना है अपनी हर एक एक्टिविटी के अंदर। मतलब जो भी एक्टिविटी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करते हैं, हर एक एक्टिविटी के अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है वो हमें लगातार लेकर के आना पड़ेगा, ताकि हमारा काम करने का तरीका लगातार बेटर होता जाए। और अगर हमारा काम करने का तरीका लगातार इंप्रूव होता जाएगा तो अल्टीमेटली अपने को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अचीव होगी, ठीक है। तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है ये बेसिक चीज है, और ये हर एम्प्लॉय के अंदर होनी चाहिए, हर एक्टिविटी में इंप्लीमेंट होनी चाहिए, ताकि हम लोगों को लगातार बेटरमेंट अचीव होता जाए। देन कम्स लीडिंग विद विजन, इंस्पिरेशन एंड इंटीग्रिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीडरशिप के लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो उसकी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन लीडरशिप में तीन बातों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, जो व्यक्ति हमें लीड कर रहा है, जो हमारी लीडरशिप है, उसके पास एक प्रॉपर विजन होना चाहिए। मतलब आप ये मत सोचो कि हमें काम करना है रोजाना आकर के हम अपना रूटीन में काम करते जा रहे हैं। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर विजन होता है और हम सारी की सारी एक्टिविटीज को उस विजन के अकॉर्डिंग ही हम लोग मैनेज करते हैं। तो ऑब्वियस बात है, लीडरशिप जो भी हो रही है वो विजन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नंबर दो, जो लीडरशिप है वो मोटिवेशनल होनी चाहिए। मतलब जो लीडर है वो आगे बढ़कर के, स्वयं आगे आकर के सारी की सारी नई नई चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करे, ताकि नीचे लेवल वाले जो लोग हैं वो भी उससे मोटिवेशन ले। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे TQM लगाना है, तो अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो हमारी लीडरशिप है, अगर वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को एम्फसाइज करेगी, तो नीचे वाले जो एम्प्लॉयज हैं, नीचे वाले जो लेवल्स हैं, वो भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लगाने के लिए मोटिवेटेड फील करेंगे। तो विजन के साथ में लीडरशिप होनी चाहिए, मोटिवेशनल लीडरशिप होनी चाहिए। मतलब खुद आगे बढ़कर हर नई चीज को अडॉप्ट करें, ताकि लोअर लेवल मैनेजमेंट भी मोटिवेट हो। एंड लास्ट वन इज इंटीग्रिटी, मतलब ईमानदारी। जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के प्रति भी, जो हमारा कस्टमर है उनके प्रति भी, और जो हमारे एम्प्लॉयज है उनके प्रति भी। जब तक लीडरशिप विजनफुल नहीं होगी, जब तक लीडरशिप मोटिवेशनल नहीं होगी, जब तक लीडरशिप इंटीग्रिटी के साथ में नहीं होगी, तब तक हम लोग कभी भी अपना बिजनेस एक्सीलेंस अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज मैनेजिंग विद एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है फास्ट। तो आपको पता है बिजनेस में बहुत फास्ट चेंजेस होते हैं, और हमें बहुत फास्टली चीजों को बदलना पड़ता है, बहुत फास्टली हमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो ऑब्वियस ही बात है, हमारा मैनेजमेंट जो है वो बहुत फास्ट होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी कंडीशन चेंज होती है तो उसको अडेप्ट करने के लिए हमारा जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत फास्ट होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड मैनेजिंग विद एजिलिटी। देन सक्सीडिंग थ्रू टैलेंट ऑफ पीपल। बेटा आपको एक बात समझना है कि या तो आप पैसा लगा सकते हो या आप टैलेंट लगा सकते हो। हमें पैसा लगाकर बिजनेस एक्सीलेंस अचीव नहीं करना, हमें लोगों के टैलेंट को हार्नेस करके, लोगों के टैलेंट को यूज करके हमें एक्सीलेंस अचीव करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग एम्प्लॉई नौकरी पे रखेंगे, जब हम लोग एसोसिएट्स के साथ में कोलैबोरेशन करेंगे, तो हम उनके टैलेंट को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, और हम उनके टैलेंट का इस्तेमाल करके हम लोग अपना बिजनेस एक्सीलेंस अचीव करेंगे। इसका मतलब
हमारा ज्यादा फोकस कैपिटल पे नहीं, टैलेंट के यूटिलाइजेशन पे होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट वन इज सस्टेनिंग आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। अगर हमारे रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है तो हमें उन आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स को हमेशा मेंटेन करना है, मतलब हमें हमेशा प्रयास करना है कि ये जो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, ये आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हमेशा सस्टेन करें, ये कभी भी खत्म ना हो। तो बेटा ये कुल मिलाकर 8 फंडामेंटल है जो एक बिजनेस एक्सीलेंस की तरफ आपको लेकर के जाते हैं। सबसे पहला, आपका दिमाग हमेशा इस बारे में रहना चाहिए कि कस्टमर को मिलने वाली वैल्यू लगातार आपके प्रोडक्ट में बढ़ती जाए। नंबर दो, अपने को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, इनोवेशन करके, इम्प्रोवाइजेशन करके अपने को सस्टेनेबल फ्यूचर जो है वो अपने को अचीव करना है। नंबर तीन, अपने को ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेबिलिटी है वो लगातार बढ़ाते चलनी है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो ताकत है, ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेबिलिटी है उसे लगातार अपने को बढ़ाते जाना है। अपने को इनोवेशन और क्रिएटिविटी को लगातार हार्नेस करते जाना है, मतलब जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिविटी है और इनोवेशन से उसे लगातार मोटिवेट करना है और लगातार उसको इम्प्लाई करते जाना है ताकि हम लोग लगातार इंप्रूव करते जाएं और हमें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल जाए। देन कम्स लीडिंग विद अ प्रॉपर विजन, मोटिवेशन एंड इंटीग्रिटी। देन मैनेजिंग विद एजिलिटी, फास्टली मैनेज करना है, चीजों को चेंज करना है। फिर हमें जो कॉम्पिटिशन है उसे सक्सीड करना है, लेकिन किससे? टैलेंट का इस्तेमाल करके। एंड लास्ट वन इज जो हमारे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है उन आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स को हमें लगातार सस्टेन करते हुए चलना है। तो बेटा ये 8 फंडामेंटल है और अगर आप ये 8 फंडामेंटल अगर अचीव कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप बिजनेस एक्सीलेंस के लिए दावेदार बन सकते हो। लेकिन EFQM मॉडल में जो आपको बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड के लिए जो पॉइंट्स दिए जाएंगे, वो पॉइंट्स जो है वो 9 बेसिस पर होंगे। जरा समझना, EFQM मॉडल में मैंने आपको बताया 8 फंडामेंटल, मतलब जब तक ये फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप अवार्ड के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे, मतलब आप अवार्ड की दौड़ में शामिल ही नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आपने ये 8 पॉइंट स्ट्रांग कर लिए, फंडामेंटल स्ट्रांग कर लिए, तो फिर आप EFQM अवार्ड के लिए अपने आप को एलिजिबल दावेदार पेश कर पाओगे। लेकिन EFQM जो है ये आपको पॉइंट्स देगा और पॉइंट आपको देगा किन पर? 9 क्राइटेरिया पर। किस पर? 9 क्राइटेरियाज के बेसिस पर, 9 पॉइंट्स पर, 9 चीजों पर आपको पॉइंट देगा और पॉइंट्स के टोटल के बेसिस पर आप अवार्ड पा सकोगे, ठीक है। अब वो 9 पॉइंट क्या है? 9 में से बेटा 5 पॉइंट जो है वो आपको मिलेंगे इनेबलर्स के लिए, मतलब आपको सक्सेस दिलवाने वाले, एक्सीलेंस दिलवाने वाले जो 5 पॉइंट है उनके ऊपर मार्क्स मिलेंगे और फिर उनसे जो रिजल्ट जनरेट हुआ है वो 4 कैटेगरीज रहेंगी, उन 4 पॉइंट्स पर आपको वहां पॉइंट मिलेंगे। तो 5 तो रहेंगे इनेबलर्स, मतलब बिजनेस एक्सीलेंस क्रिएट करने वाले फैक्टर, और 4 पॉइंट रहेंगे, 4 क्राइटेरिया रहेंगे आपके रिजल्ट के जिनके ऊपर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। और ये इनेबलर्स और रिजल्ट दोनों के बेसिस पर जो टोटल पॉइंट टेबल बनेगी उसके बेसिस पर आपको अवार्ड दिया जाएगा। सबसे पहला इनेबलर्स की बात करेंगे और बाद में रिजल्ट वाले 4 पॉइंट की बात करेंगे। सुनो, इनेबलर्स में सबसे पहला है लीडरशिप, मतलब हम आपको पॉइंट इस बात पे देंगे कि आपकी लीडरशिप जो है वो कैसी रही है। नंबर 2, पीपल, मतलब जो आपके एम्प्लॉयज हैं, वो एम्प्लॉयज जो है उनको आपने कैसे मैनेज किया, उन्होंने कैसा काम किया, उनके बेसिस पर हम आपको पॉइंट देंगे। नंबर 3, स्ट्रेटेजी, मतलब आपकी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो कितनी फ्रूटफुल थी, आपकी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो कितनी इफेक्टिव थी, आपने कितनी क्रिएटिविटी लगा करके अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी तैयार की, उसके ऊपर आपको पॉइंट मिलेंगे। देन पार्टनरशिप एंड रिसोर्सेज, आपने जो भी एसोसिएशंस किए वो कितने स्ट्रांग थे और आपकी रिसोर्सेज की जो अप्रोच है वो कितनी स्ट्रांग थी, उसके बेसिस पर आपको पॉइंट मिलेंगे। एंड लास्ट वन, आपके प्रोसेसेस कितनी एफिशिएंट है, आपके प्रोडक्ट और आपकी जो सर्विसेज है वो कितनी कितनी हाई क्वालिटी है,
इसके ऊपर भी आपको पॉइंट दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर पॉइंट यहां पर आपको 5 चीजों पर दिए जा रहे हैं। अगर आपकी लीडरशिप अच्छी है ऑटोमेटिकली रिजल्ट अच्छे आएंगे, आपके एम्प्लॉई लॉयल्टी और एम्प्लॉई परफॉर्मेंस अच्छी है पीपल तो आपको एक्सेलेंस मिलेगा ही मिलेगा। नंबर 3, अगर आपकी स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांग है तो आपको रिजल्ट मिलेगा। नंबर 4, अगर आपके पार्टनरशिप और आपके एसोसिएशंस और आपके रिसोर्सेज अगर स्ट्रांग है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। एंड 5th इज, अगर आपकी प्रोसेसेस, आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज अगर हायर क्वालिटी की है तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 5 कहलाते हैं इनेबलर्स। अब आपके इनेबलर्स जितने स्ट्रांग होंगे आपके रिजल्ट भी उतने स्ट्रांग होंगे। अब आपको रिजल्ट कैसे देखने को मिलेंगे? सबसे पहला पीपल रिजल्ट, मतलब आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो आपसे कितने सेटिस्फाइड है। नंबर 2, कस्टमर रिजल्ट, मतलब आपका जो कस्टमर है वो आपसे कितना सेटिस्फाइड है। नंबर 3, सोसाइटी रिजल्ट, मतलब आपने समाज के लिए जो काम किया, आपने सोसाइटी के लिए जो काम किया उससे आपको कितना बेनिफिट मिला है। एंड लास्ट 1 इज, इन सबको मिलाकर बिजनेस रिजल्ट, मतलब आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉफिट हुआ है, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहा, आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या रहा उसके बेसिस पर। तो कुल मिलाकर यहां पे 5 इनेबलर से और 4 रिजल्ट से, इनके बेसिस पर आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं। और बेटा जो पॉइंट है उनके बेसिस पर डिसाइड होता है कि ये अवार्ड किसको मिलेगा। ठीक है, डन। आइए अब अगली बात आती है और वो है रडार। मतलब अगर आपको बिजनेस एक्सीलेंस अचीव करना है तो बिजनेस एक्सीलेंस अचीव करने के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। वो 8 तो थे फंडामेंटल, मतलब वो फंडामेंटल्स आपको अचीव करने, लेकिन अचीव करने के लिए अप्रोच क्या हो, एंड दैट अप्रोच इज रडार। सर रडार माने, सबसे पहला आर। आर का मतलब सबसे पहला आप ये देखो कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए, मतलब आप अपना टारगेट डिफाइन करो कि आपको पाना क्या है, रिजल्ट रिक्वायर्ड, आपको रिजल्ट क्या रिक्वायर्ड है। नंबर 2, अप्रोचेस, मतलब आप अपना एक प्रॉपर प्लान डेवलप करो जिससे आप ये बता सको कि जो रिजल्ट हम लोगों को चाहिए वो अचीव कैसे करना है। तो सबसे पहला अपना टारगेट डिफाइन करो, उस टारगेट तक पहुंचने की अप्रोच प्लान करो। ठीक है, नंबर 3, जो अप्रोच आपने प्लान की उसे डिप्लॉय करो, मतलब जो अप्रोच आपने प्लान की है उस अप्रोच को आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो, और इंप्लीमेंट करने के बाद असेस करो कि आपकी जो अप्रोच है उससे आपको रिजल्ट मिला या नहीं मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, और जो भी कमियां हैं उन्हें रिफाइन कर दो, जो भी कमियां हैं उन्हें दूर कर दो, और अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपको टारगेटेड रिजल्ट मिल जाएंगे। अब रिफाइन करने के बाद में दोबारा ये साइकिल चालू हो जाएगी। अब आप दोबारा से डिसाइड करो कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए, उस रिजल्ट को पाने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपका प्लान क्या होना चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो डिसाइड करो। फिर जो आपने अप्रोच डिसाइड की उसे डिप्लॉय करो, डिप्लॉय करने के बाद में जो रिजल्ट आए उन्हें असेस करो और अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी अप्रोच को रिफाइन करो। फिर दोबारा रिजल्ट क्या चाहिए वो एनालाइज करो, उसे अचीव करने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए वो डिसाइड करो, उस अप्रोच को डिप्लॉय करो, जो रिजल्ट आए उसे असेस करो और अपनी अप्रोच को रिफाइन करो। ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी, और अगर ये रडार लगातार चलता रहा तो आपको जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है वो ऑटोमेटिकली आपको अचीव हो जाएगा। लेकिन ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जब तक आपको अपने रिजल्ट अचीव नहीं हो जाते, दैट इज कॉल्ड रडार। तो EFQM मॉडल एक यूरोपियन मॉडल है जो 3 बातें बताता है। 1, सबसे पहली बात बताता है कि भैया बिजनेस एक्सीलेंस अचीव करने के लिए 8 फंडामेंटल स्ट्रांग होना जरूरी है वो। नंबर 2, ये 9 क्राइटेरिया बताता है जिसके बेसिस पर पॉइंट मिलते हैं, अवार्ड मिलता है। और नंबर 3, बिजनेस एक्सीलेंस अचीव करने के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, रडार। तो वो 3 बातें आपको यहां पर बताता है।
बेल्ड्रिज मॉडल की बात करें तो बेल्ड्रिज मॉडल जो है ये यूएस मॉडल है और बेसिकली ये भी ऑलमोस्ट जो ईएफक्यूएम मॉडल है उसी से मिलता जुलता है, लेकिन ये बताता है कि यहां पर आपको सेवन कैटेगरीज में आपको अवार्ड मिलते हैं, सेवन कैटेगरीज में आपको पॉइंट मिलते हैं। सर कौन कौन से? सबसे पहला लीडरशिप, मतलब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप है वो कैसी रही है। नंबर दो, आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैसी थी। नंबर तीन, आपने कस्टमर की नीड्स पर और मार्केट पर कैसा फोकस किया। नंबर चार, मेजरमेंट एनालिसिस एंड नॉलेज मैनेजमेंट, मतलब आपने अपनी परफॉर्मेंस को कितना सही तरीके से मेजर किया, आप अपने नॉलेज को, आपने अपनी क्रिएटिविटी को, आपने अपने इनोवेशन को कितना अच्छा इंप्लीमेंट किया। वर्कफोर्स, मतलब आपने अपने एम्प्लॉइज को कितना अच्छा मैनेज किया और आपके एम्प्लॉइज आपके साथ में कितने सेटिस्फाइड हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, जो भी हमारी प्रोसेसेस हैं उनको हमने कितना अच्छा मैनेज किया, हमने उनमें कितना अच्छा मैनेज किया, उनमें डिस्टर्बेंस और जो इंटरप्शंस हैं वो कितने कम आए उसके बेसिस पर। एंड लास्ट वन इज बिजनेस रिजल्ट, मतलब जो भी हमारा बिजनेस का प्रॉफिट रहा उसके बेसिस पर। तो बेल्ड्रिज मॉडल में अपने को इन पॉइंट्स पर, अपने को वहां पर इन सात पॉइंट्स पर, इन सात कैटेगरीज पर अपने को पॉइंट्स मिलते हैं और पॉइंट्स के टोटल के बेसिस पर अपने को अवार्ड मिलता है। ठीक है, तो बेटा ये जो है ये बेल्ड्रिज मॉडल है। बेल्ड्रिज मॉडल के बारे में हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में कोई बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं किया है, रादर इवन जो हमारा ईएफक्यूएम मॉडल है उसके बारे में भी बेसिक डिस्कशन ही किया गया है, डिटेल डिस्कशन नहीं किया गया है। अगर मुझसे आप कुछ अटेम्प्ट पहले अगर मुझसे पूछते कि सर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या, तो मैं बोलता नहीं, मेरे हिसाब से ये टॉपिक कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में इसमें से आने लायक मुझे कुछ लग नहीं रहा क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर कोई प्रॉपर मटेरियल डेवलप करके नहीं दिया है। जब तक इंस्टीट्यूट एक प्रॉपर मटेरियल डेवलप करके नहीं देता तब तक इंस्टीट्यूट कभी भी टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं पूछता है, और इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर जो मटेरियल दे रखा है वो काफी लिमिटेड सा मटेरियल है जिसके बेसिस पर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। लेकिन अभी कुछ अटेम्प्ट पहले इंस्टीट्यूट ने आरटीपी के अंदर केस स्टडी जो है वो डाली इसके बारे में, और उससे लगता है कि इंस्टीट्यूट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप ये सारी की सारी बातें जो है, आठ फंडामेंटल क्या है, नौ क्राइटेरिया क्या है, रडार अप्रोच क्या है, इसको बहुत ध्यान से याद कीजिएगा। सर बेल्ड्रिज मॉडल हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है क्या? नहीं, बेल्ड्रिज मॉडल बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके जो सात क्राइटेरिया है ये सात क्राइटेरिया जरूर आप लोग एक बार पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, बाकी इसके बारे में बहुत ज्यादा इनडेप्थ जाने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए बेटा यहां पर बात खत्म होती है मेरी बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल के बारे में। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब आप लोग मेरे साथ में निकाल लीजिए अगला चैप्टर जो हम लोग करने जा रहे हैं। सर अगला चैप्टर कौन सा करने जा रहे हैं? बेटा अगला चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर नंबर 10 है हमारा टारगेट कॉस्टिंग। तो चैप्टर नंबर 10 मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं, और चैप्टर 10 जो है हमारा वो क्या है? टारगेट कॉस्टिंग। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर ये बताओ ये टारगेट कॉस्टिंग क्या है। अब ये टारगेट कॉस्टिंग जो है, वैसे तो ये हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिकल के टाइम पे डिस्कस कर चुके हैं कि टारगेट कॉस्टिंग क्या होती है, बट फिर भी एक काम करते हैं अपन लोग एक बार और इसे डिस्कस कर लेते हैं टारगेट कॉस्टिंग क्या है। आप लोग जानते हो कि मार्केट में जब इतना जबरदस्त कॉम्पिटिशन है तो हम लोग अपनी सेलिंग प्राइस खुद फिक्स नहीं कर सकते, तो हम लोगों को सेलिंग प्राइस वही एक्सेप्ट करनी पड़ती है जो मार्केट में प्रिवेलिंग होती है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं मोबाइल बनाने वाली कंपनी हूं, अब ऑब्वियस सी बात है मैं अगर अपने मोबाइल की सेलिंग प्राइस मनचाही तरीके से रखना चाहूं तो मैं नहीं रख सकता, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे जो कॉम्पिटिटर है वो किस प्राइस में इस तरह का मोबाइल बेच रहे हैं। अब पता चला कि वो लोग 50,000 में मोबाइल बेच रहे हैं ये वाला, तो मुझे भी अपनी प्राइस 50,000 के आसपास ही रखनी होगी। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है अगर मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो कमाना ही कमाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड टारगेट प्रॉफिट। अब मेरी टारगेट सेलिंग प्राइस है 50,000
और मैंने अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को देखकर, अपनी सारी चीजों को देखकर, अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखकर मैंने मिनिमम प्रॉफिट डिसाइड किया, टारगेट प्रॉफिट डिसाइड किया 15,000 का। अब सोच के बताओ, सेलिंग प्राइस 50,000 ये मुझे लेनी पड़ेगी, इससे ज्यादा प्राइस में रख नहीं सकता क्योंकि मार्केट में यही प्रिवेलिंग है। 15,000 का मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो आप मुझे ये बताओ कि हमारा ये जो मोबाइल है वो कितनी कॉस्ट में बन जाना चाहिए, मतलब मेरे इस मोबाइल की टोटल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 35,000। इस 35,000 को हम लोग बोलते हैं टारगेट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? टारगेट कॉस्ट। अब बात को समझना, व्हाट इज टारगेट कॉस्टिंग। मान लीजिए हो सकता है कि हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आ रही हो 40,000 और हमारी टारगेट कॉस्ट है 35,000, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी 40,000 की कॉस्ट को घटा करके 35,000 पर लेकर के आना होगा। और बेटा इस कॉस्ट रिडक्शन ड्राइव को ही हम लोग बोलते हैं टारगेट कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं इसे अपन लोग? टारगेट कॉस्टिंग। अब मैंने ये देखा मार्केट में प्राइस चल रही है 50,000, मुझे भी 50,000 रखनी पड़ेगी। मैंने अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट को देखा, अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखा, अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को देखा, मैंने अपनी रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी को देखा कि मुझे कितने टाइम के बाद में अपनी मशीनों को रिप्लेस करना है, मैंने टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स देखे, उन सबको देखकर मैंने डिसाइड किया कि भैया मुझे कम से कम 15,000 का प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है। अब 50,000 की सेलिंग प्राइस रखनी है और 15,000 का प्रॉफिट कमाना है, दैट मींस टोटल कॉस्ट मेरी 35,000 होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड टारगेट कॉस्ट। अब मेरी एक्चुअल कॉस्ट है 40,000, मेरी टारगेट कॉस्ट है 35,000, तो मुझे 40,000 की कॉस्ट को घटाकर 35,000 तक लाना होगा और इस घटाने को ही हम लोग बोलते हैं टारगेट कॉस्टिंग। और मैं इसी के बारे में आपको पूरा चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? तो टारगेट कॉस्टिंग का सिंपल सा मतलब है अपनी एक्चुअल कॉस्ट को टारगेट कॉस्ट तक लाना ताकि हम लोगों को टारगेट प्रॉफिट अचीव हो पाए, ठीक है? चलो आइए जी। अब पहला सवाल आता है कि सर ये बताओ कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में टारगेट कॉस्टिंग लगाते हो तो टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई करने की स्टेप्स क्या होनी चाहिए। सबसे पहला तो दोस्तों आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, मतलब आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, नंबर दो प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी कैसी होनी चाहिए, नंबर तीन प्रोडक्ट में क्या क्या फंक्शनैलिटी जो है वो होनी चाहिए, और नंबर चार ये प्रोडक्ट कितने वर्षों तक ड्यूरेबल रहना चाहिए, मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए। और ये सारी की सारी चीजें इसलिए डिसाइड कर रहे हैं ताकि अपने को पता चल जाए कि अपना प्रोडक्ट कम से कम इस लेवल का होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग मार्केट में बेच नहीं पाएंगे। बेटा आपको मतलब है टारगेट कॉस्टिंग सिंपल सी बात कहता है कि जैसा प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए वैसा ही प्रोडक्ट बनाना है, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, फंक्शनैलिटी में हमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज किए बिना अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले तो आप ये डिफाइन कर दो, क्यों आप ये डिफाइन कर दो कि प्रोडक्ट में कैसी क्वालिटी चाहिए, कैसी रिलायबिलिटी चाहिए, कैसी ड्यूरेबिलिटी चाहिए, कैसी फंक्शनैलिटी चाहिए, ताकि जो हमारी टारगेट कॉस्टिंग टीम है वो टारगेट कॉस्टिंग टीम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करके, रिलायबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज करके, फंक्शनैलिटी में कॉम्प्रोमाइज करके या ड्यूरेबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज करके अपनी कॉस्ट को कम ना कर पाए, ठीक है? अगर कॉस्ट कम करनी है तो भैया फिर आपको कॉस्ट कम करनी है अपने वर्किंग को इंप्रूव करके, प्रोडक्ट को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं करनी। तो सबसे पहले तो ये डिफाइन करो। लेकिन जब आप लोग ये चारों चीजें डिफाइन करोगे तो आपको दो बातों पर कॉन्सेंट्रेट करना है। पहला आपको ये देखना है कि कस्टमर आपसे क्या चाहता है, मतलब कस्टमर की नीड्स क्या क्या है, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्ट करता है वो देखो। और नंबर दो, दूसरी बात आपको देखना है कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को कि कॉम्पिटिटर अपने प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी, क्या रिलायबिलिटी, क्या ड्यूरेबिलिटी, क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपको वो सब प्रोवाइड करना कंपलसरी रहेगा। तो बेटा दो बातें हैं, एक कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को देखो और दूसरा कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को देखो। दोनों को देखे बिना आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको प्रोडक्ट बनाना कैसा है। नंबर दो, जब प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन तय हो जाए तो फिर उसके बाद में आप मार्केट को स्टडी करो और मार्केट को स्टडी करके डिसाइड करो
कि आप अपना प्रोडक्ट कितने रुपए में बेच सकते हो, ठीक है। आप मार्केट को स्टडी करो और मार्केट को स्टडी करके टारगेट सेलिंग प्राइस डिसाइड करो, मतलब आप अपना प्रोडक्ट कितने रुपए में बेच सकते हो वो टारगेट सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई करो। मतलब जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला था कि मैं ये फोन बाजार में 50,000 में बेच सकता हूं, ये मैंने आइडेंटिफाई किया, पर ये आइडेंटिफाई करने से पहले मैंने मार्केट को स्टडी किया। अब मार्केट को स्टडी कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कॉम्पिटिटर की प्राइस क्या है, मतलब मेरा कॉम्पिटिटर मिलता जुलता प्रोडक्ट कितने में बेच रहा है। नंबर दो, कॉम्पिटिटर का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, अगर कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट हमसे हल्का है तो मैं ज्यादा प्राइस रख सकता हूं, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट अगर हमसे ज्यादा क्वालिटी का है तो हमें कॉम्पिटिटर से कम प्राइस रखनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट हमसे बेटर है या हमसे वर्स है, आपको ये दोनों चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। नंबर तीन, ब्रांड वैल्यू, आप जरा कंपेयर करो कि आपकी जो ब्रांड वैल्यू है वो आपके कॉम्पिटिटर की ब्रांड वैल्यू से कितनी स्ट्रांग है। जैसे कि एप्पल, जब एप्पल आईफोन को लॉन्च करता है तो एप्पल हमेशा सैमसंग से ज्यादा प्राइस पे अपना फोन लॉन्च करता है, क्योंकि एप्पल को लगता है कि उसकी ब्रांड वैल्यू सैमसंग से ज्यादा सुपीरियर है और इसीलिए वो ज्यादा प्राइस फिक्स करता है, ठीक है। फोर्थ वन इज आफ्टर सेल सर्विस, अगर आपकी आफ्टर सेल सर्विस बेटर है तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए ज्यादा प्राइस भी देने को तैयार हो जाएगा। तो आप देखो आपकी आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया है या सिमिलर है। देन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ज्यादा स्ट्रांग है तो आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो, लेकिन अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपको प्राइस कम रखनी पड़ेगी। एंड लास्ट वन इज फंक्शनैलिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, अपने प्रोडक्ट को देखो, आपके प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी कॉम्पिटिटर से बेटर है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कॉम्पिटिटर से बेटर है, आपके प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी कॉम्पिटिटर से बेटर है, आपके प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी कॉम्पिटिटर से बेटर है, तो आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो, अदरवाइज आपको बराबर प्राइस चार्ज करनी पड़ेगी। इसका मतलब जरा सोचो कि आपने मार्केट को प्रॉपरली स्टडी किया ताकि आप अपनी टारगेट सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाओ। देन टारगेट वॉल्यूम, अब ऑब्वियस ही बात है हमारी बहुत सारी वेरिएबल कॉस्ट भी लगने वाली है, बहुत सारी फिक्स कॉस्ट भी लगने वाली है, तो अगर आपको अपनी कॉस्ट पर यूनिट अगर एक्यूरेटली कैलकुलेट करनी है तो आपको अपना वॉल्यूम भी एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो आप जरा एनालाइज करो मार्केट का साइज क्या रहने वाला है, मार्केट में आपका शेयर कितना रहने वाला है, ये आइडेंटिफाई करो। तो मार्केट का साइज कैलकुलेट करो, मार्केट में अपना शेयर कितना होगा ये कैलकुलेट करो, और ये देख कर इसके अलावा प्राइस इलास्टिसिटी, अपनी सेलिंग प्राइस को देखो, उसे कनेक्ट करो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ में, ताकि आपको ये पता लगे कि आपके प्रोडक्ट के कितने यूनिट बिकने के चांसेस है। तो आप यहां पे टारगेट वॉल्यूम डिसाइड करो। अब आपने प्रोडक्ट को डिसाइड कर लिया कैसा हो, आपने सेलिंग प्राइस डिसाइड कर ली कैसा हो, अब सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग आप एस्टिमेट करो कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितने यूनिट की आने वाली है, ठीक है। उसके बाद में आप अपना टारगेट प्रॉफिट डिसाइड करो, आप ये डिसाइड करो आपको कितना प्रॉफिट कमाना है। अब ये कैसे तय होगा, सबसे पहले आप देखो आपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगा रखी है, क्योंकि अगर ज्यादा कैपिटल लगा रखी है तो आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है आप ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट करोगे। नंबर दो, आप अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखो। नंबर तीन, आप देखो आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए कम से कम कितना प्रॉफिट चाहिए। नंबर चार, आप देखो लॉन्ग रन में आपको क्या क्या प्रोजेक्ट लेकर के आने और उन प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए आपको कितनी कैपिटल की, कितने पैसों की जरूरत होगी। तो ये सारी की सारी बातें देखकर आप अपना टारगेट प्रॉफिट डिसाइड कर लो, ठीक है सर। अब आप अपनी टारगेट कॉस्ट को डिसाइड करो। अब देखो टारगेट सेलिंग प्राइस आप तय कर चुके हो, टारगेट प्रॉफिट आप तय कर चुके हो, तो टारगेट सेलिंग प्राइस में से अगर आपने टारगेट प्रॉफिट को लेस कर दिया तो आपको टारगेट कॉस्ट मिल जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो हमारी टारगेट कॉस्ट आती है उसे अचीव करना इतना आसान नहीं होता। अचीव किया जा सकता है लेकिन अचीव करने में हमें काफी समय लगेगा, और समय
अगर ज्यादा लग गया तो प्रोडक्ट को लॉन्च करने का जो प्रॉपर टाइम है वो हाथ से निकल जाएगा और फिर हम उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, उतना माल नहीं बेच पाएंगे जितना कि हमें बेचना चाहिए था। तो पॉइंट सिंपल है कि भैया आपने टारगेट सेलिंग प्राइस में से टारगेट प्रॉफिट को घटा दिया। आपकी टारगेट सेलिंग प्राइस है 50,000, आपका टारगेट प्रॉफिट है 15,000, मतलब आपकी टारगेट कॉस्ट है 35,000। लेकिन और आपकी करंट कॉस्ट कितनी है? 40,000। तो करंट कॉस्ट आपकी 40,000 है और आपकी जो टारगेट कॉस्ट है वो 35,000 है। ऑब्वियस ही बात है, आपको 5,000 अपनी कॉस्ट को कम करना है, लेकिन ये कॉस्ट को कम करना इतना आसान नहीं रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हमें ये लगता है कि अगर हमने कॉस्ट को रिड्यूस करने में टाइम अभी लगाया तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, प्रोडक्ट को लॉन्च करने का जो प्रॉपर टाइम है वो हाथ से निकल जाएगा। और अगर प्रोडक्ट को लॉन्च करने का प्रॉपर टाइम हाथ से निकल गया तो जितना माल अपन लोग बेच सकते थे वो नहीं बेच पाएंगे और कॉम्पिटिटर को इसकी एडवांटेज मिल जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम 35,000 को टारगेट नहीं रखते, हम इनिशियल टारगेट रखते हैं 38,000, ठीक है। और हम अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग वाली जो स्टेज है उस पर 40 को घटाकर 38 पे लाने का प्रयास करते हैं और 40 को घटाकर 35 पे ले जाने का प्रयास नहीं करते, 40 को घटाकर 38 पे लाने का प्रयास करते हैं ताकि हमारी लॉन्चिंग लेट ना हो जाए। इस 38 को बोलते हैं अलाउबल कॉस्ट, ठीक है। टारगेट कॉस्ट इज 35,000, अलाउबल कॉस्ट इज 38,000। तो इनिशियली आपको जो कॉस्ट रिड्यूस करने का टारगेट मिला वो सिर्फ 2,000 है, ठीक है। तो आपको अभी इनिशियली 38 पे पहुंचना है, ठीक है। फिर क्या होगा, हम 38 पे लाकर प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे। प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद में फिर हम अप्लाई करेंगे काइजन और छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करते 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 हम 38 को घटाकर 35 पर ले आएंगे। तो ध्यान रखना, टारगेट कॉस्टिंग में इनिशियली हम लोग एक्चुअल जो हमारी करंट कॉस्ट है वहां से अलाउबल कॉस्ट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं डिजाइनिंग वाली स्टेज में, और अलाउबल कॉस्ट से टारगेट कॉस्ट तक पहुंचने का काम जो है वो होता है किससे, काइजन कॉस्टिंग से, ठीक है। चलो तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, अपनी टारगेट कॉस्ट को डिसाइड करेंगे और अपनी अलाउबल कॉस्ट को डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है इनिशियली टारगेट कॉस्ट को अचीव करना पॉसिबल नहीं है बहुत ज्यादा टाइम लगाए बिना, और अगर बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे तो लॉन्चिंग का टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग टारगेट कॉस्ट भी डिसाइड कर लेंगे, अलाउबल कॉस्ट भी डिसाइड कर लेंगे। देन कम्स डिटरमिन करंट कॉस्ट। अब आप ये देखो कि जो हमारा करंट मैन्युफैक्चरिंग का तरीका है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारा करंट प्रोसीजर है, जो हमारी रिसोर्सेज की करंट कॉस्ट है, जो हमारा करंट लेवल ऑफ ओवरहेड है, उन सबको लेकर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि इस नए प्रोडक्ट को अगर बनाया जाए तो आज की तारीख में इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, मतलब 40,000 डिसाइड करना, दैट इज करंट कॉस्ट। मतलब जो हमारा प्रोडक्शन का तरीका है, जो हमारे पास आज रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो आज हमारा ओवरहेड का खर्चा है, उन सब के अकॉर्डिंग अगर इस प्रोडक्ट को आज बनाए तो कितना पैसा लगेगा, दैट इज कॉल्ड करंट कॉस्ट। अब ऑब्वियस ही बात है बेटा, जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो तो प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग निकल ही जाएगी, कितना रॉ मटेरियल लगना है, कितना लेबर लगना है। और जो ओवरहेड का खर्चा है वो हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की सहायता से बांट देंगे और ऐसा करके हम अपनी करंट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, करंट कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद में आप देखो आपकी अलाउबल कॉस्ट कितनी है और आपकी करंट कॉस्ट कितनी है। तो अलाउबल कॉस्ट है आपकी 38, करंट कॉस्ट है आपकी 40, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी कॉस्ट को कम करना है कितना, 2,000 रुपीज। आपको अपनी कॉस्ट को इनिशियली कितना रिड्यूस करना है, 2,000 रुपए, ठीक है। अब बेटा इस कॉस्ट रिडक्शन टारगेट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक होगा कॉस्ट रिडक्शन ऑब्जेक्टिव और दूसरा होगा कॉस्ट रिडक्शन चैलेंज। बेटा जो हमारा करंट कॉस्ट और अलाउबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है ये अचीवेबल है, ये आराम से अचीव हो सकता है, इट इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन ऑब्जेक्टिव। लेकिन 38 अलाउबल कॉस्ट से टारगेट कॉस्ट पर आना ये काफी चैलेंजिंग है, ये चैलेंजिंग है। तो बेटा इसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन चैलेंज,
ठीक है, जरा दोबारा से सुनो बेटा, करंट कॉस्ट से अलाउबल कॉस्ट पर आना आसान है। ये जो 2000 अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है, ये मुश्किल काम नहीं है, ये आसान है। इसे बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन ऑब्जेक्टिव। लेकिन 38 से 35 तक जाना ये चैलेंजिंग वर्क है, इसे बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन चैलेंज। तो बेटा हमारी अगली स्टेप है कॉस्ट रिडक्शन टारगेट आइडेंटिफाई करना, डिटरमिन करना। तो कॉस्ट रिडक्शन टारगेट है 40 से 35 पर आना है, अपनी कॉस्ट को 5000 कम करना है। लेकिन इसमें से 2000 जो है ये रिडक्शन अचीव करना इजी है, इट इज कॉस्ट रिडक्शन ऑब्जेक्टिव। 3000 का रिडक्शन अचीव करना मुश्किल है, इट इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन चैलेंज। ठीक है, अच्छा, देन आइडेंटिफाई कॉस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटी। अब आपको करना क्या है, वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग लगाओ। वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग का सिंपल सा मतलब है, आप अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज का एनालिसिस करो। जब आप एक्टिविटीज का एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कौन सी है, और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को बंद कर दो। जो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करने का बेटर तरीका क्या है वो आइडेंटिफाई कर लो, और ये सब करके आप अपना अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कॉस्ट रिडक्शन की अपॉर्चुनिटी कहां कहां पर है। आप डिजाइन को बदल सकते हो, आप प्रोसेस को बदल सकते हो, आप रॉ मटेरियल को बदल सकते हो। कहां पर आपके पास में कॉस्ट को रिड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी है वो आइडेंटिफाई करो। एंड लास्ट वन, टारगेट कॉस्ट और टारगेट प्रॉफिट को अचीव करो। जो कॉस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटी आपने आइडेंटिफाई की है उनको इंप्लीमेंट करो, और इंप्लीमेंट करके अपनी टारगेट कॉस्ट और टारगेट प्रॉफिट को अचीव कर लो। ठीक है, दोबारा सुनो, सबसे पहला क्या क्या स्टेप्स है। सबसे पहला प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन डिसाइड करो कि प्रोडक्ट में क्वालिटी, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और फंक्शनैलिटी क्या क्या होना जरूरी है वो आइडेंटिफाई कर लो, ताकि आपकी टारगेट कॉस्टिंग टीम प्रोडक्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज ना कर ले। ठीक है, नंबर दो। दूसरी बात, आप मार्केट को स्टडी करो और आइडेंटिफाई करो कि आप कितनी सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकते हो। नंबर तीन, आप अपना टारगेट प्रॉफिट डिसाइड करो कि आपने कितनी कैपिटल लगा रखी है, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है, सब कुछ देखकर आप डिसाइड करो कि आपको कितना प्रॉफिट कमाना है। नंबर चार, टारगेट सेलिंग प्राइस में से टारगेट प्रॉफिट को लेस कर दो तो आपके पास टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन आप ध्यान रखना, इनिशियली हम टारगेट कॉस्ट को अचीव करने का प्रयास नहीं करते, हम हायर कॉस्ट अचीव करने का प्लान करते हैं, दैट इज कॉल्ड अलाउबल कॉस्ट। नंबर पांच, हम करंट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की सहायता से कैलकुलेट हो जाएगी, और ऐसा करके हम लोग अपनी करंट कॉस्ट क्या आ रही है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर हम अपनी टारगेट कॉस्ट और करंट कॉस्ट दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें अपना कॉस्ट रिडक्शन टारगेट जो है वो मिल जाएगा, मतलब हमें पता चल जाएगा कि हमें कॉस्ट को कितना रिड्यूस करना है। लेकिन इस कॉस्ट रिडक्शन टारगेट को दो कैटेगरी में बांटा जाएगा, कॉस्ट रिडक्शन ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट रिडक्शन चैलेंज। कॉस्ट रिडक्शन ऑब्जेक्टिव का मतलब है अलाउबल कॉस्ट और करंट कॉस्ट के बीच का डिफरेंस, जो कॉस्ट रिडक्शन अचीव करना इजी है, अचीवेबल है वो, और अलाउबल कॉस्ट और टारगेट कॉस्ट का जो बीच का डिफरेंस है ये वो कॉस्ट रिडक्शन है जिसे अचीव करना थोड़ा मुश्किल है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन चैलेंज। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉस्ट को रिड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कहां कहां पर है। ठीक है, ये काम होगा वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग की सहायता से, ताकि हमें नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज का पता चल जाए, हम अपनी प्रोसेस को चेंज करेंगे, रॉ मटेरियल को चेंज करेंगे, प्रोडक्शन की प्रोसेस को चेंज करेंगे, इनसे कहां कहां पर कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो सकती है उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे। एंड लास्ट वन, टारगेट कॉस्ट और टारगेट प्रॉफिट को अचीव कर लिया जाएगा कॉस्ट को रिड्यूस करके। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आता है प्रिलिमिनरी स्टेप्स फॉर टारगेट कॉस्टिंग। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में टारगेट कॉस्टिंग लगाना है तो टारगेट कॉस्टिंग लगाने के लिए आपको कुछ तैयारियां पहले से करनी पड़ेंगी। सर ये क्या क्या तैयारियां हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं।
ये क्या क्या तैयारियां हैं। सबसे पहली तैयारी आपको करनी है पावर। एक बात मुझे बताओ, अगर टारगेट कॉस्टिंग टीम जो है वो जाएगी और टारगेट कॉस्टिंग टीम जो है वो एम्प्लॉयज के पास जाकर के बोलेगी आपको ये काम करना है, आपको ये चीज बदलनी है, आपको प्रोडक्शन का तरीका बदलकर ऐसा करना है, तो आप मुझे बताओ क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय इतने आराम से बदलाव करने को तैयार हो जाएंगे? नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है, उन एम्प्लॉयज को बदलावों के लिए तैयार करने के लिए टारगेट कॉस्टिंग टीम जो है उसको पावर की आवश्यकता है, और वो पावर उसे कहां से मिलेगी? प्रोजेक्ट चार्टर से। सिर्फ प्रोजेक्ट चार्टर क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक अथॉरिटी लेटर बनाकर टीम टारगेट कॉस्टिंग टीम को देते हैं और टारगेट कॉस्टिंग टीम को बोलते हैं कि आप ये सारे के सारे काम इन सारे एम्प्लॉय से आप करवा सकते हो। तो अगर मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय अगर हमें बोलता है कि मैं क्यों बदलाव करूं, आप कौन आए, तो हम प्रोजेक्ट चार्टर दिखा सकते हैं और ये प्रोजेक्ट चार्टर दिखाकर हम बता देंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हमें पावर मिली है आपसे ये बदलाव करवाने की। तो सबसे पहले टीम को चाहिए पावर, और पावर कहां से मिलेगी? प्रोजेक्ट चार्टर से। प्रोजेक्ट चार्टर क्या है? अथॉरिटी लेटर। कौन बना के देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, देन ऑब्वियस ही बात है कि मुझे टारगेट कॉस्टिंग टीम के लिए मेंबर्स चाहिए, मतलब लोग चाहिए। अब लोग कैसे? सबसे पहला तो आदमी मुझे चाहिए, मैनेजमेंट स्पॉन्सर। सर ये मैनेजमेंट स्पॉन्सर क्या होता है? अब ऑब्वियस ही बात है, टारगेट कॉस्टिंग टीम में जो आदमी है वो कौन है? कंपनी के एम्प्लॉयज। अब ये कंपनी के एम्प्लॉयज जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने जाएंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जाकर के बोलेंगे कि सर हमें टारगेट कॉस्टिंग के लिए 1 करोड़ का बजट चाहिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे नहीं नहीं, तुमको 1 करोड़ का बजट नहीं मिलेगा, तुमको 10 लाख का बजट मिलेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि टारगेट कॉस्टिंग टीम के मेंबर कंपनी के एम्प्लॉयज है, वो डायरेक्टर्स के साथ में लड़ नहीं सकते। वो ये नहीं बोल सकते कि सर 1 करोड़ का काम 10 लाख में कैसे होगा, आप तो 1 करोड़ दोगे तो काम होगा वरना नहीं होगा। वो ये नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने बढ़कर के ये सब बातें बोली तो उनको नौकरी जाने का खतरा रहेगा, और नौकरी जाने का डर रहेगा तो वो कभी भी डायरेक्टर्स के साथ में फाइट नहीं करेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनका टारगेट कॉस्टिंग टीम का, मैं इसे सिर्फ टीम बोलूंगा, तो टीम का पक्ष रखने के लिए हमें एक टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही बंदा चाहिए जो हमारी तरफ से उनसे लड़ सके, क्योंकि वो लड़ेगा तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो भी टॉप मैनेजमेंट का पार्ट है, लेकिन हम टॉप मैनेजमेंट के सामने कुछ बोल नहीं पाएंगे। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट स्पॉन्सर। मैनेजमेंट स्पॉन्सर, मैनेजमेंट स्पॉन्सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही एक बंदा होगा, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर होगा जो हमारा पक्ष बोर्ड के सामने रखेगा, और बोर्ड से वो हमारे लिए बजट सैंक्शन करवाएगा, बोर्ड से हमारे लिए सारी पावर सैंक्शन करवाएगा, हमारा सारा पक्ष वही बोर्ड के सामने रखेगा। That is called management sponsor. नंबर तीन, मुझे चाहिए टीम मैनेजर। मुझे क्या चाहिए? टीम मैनेजर। अब ऑब्वियस ही बात है, इस टीम को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर चाहिए, लेकिन ये मैनेजर स्ट्रॉन्ग टीम लीडर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है, मेरी टारगेट कॉस्टिंग टीम में हर एक डिपार्टमेंट के लोग होंगे, वो लोग अलग अलग लेवल के होंगे, कोई मैनेजर होगा, कोई लेबर होगा, तो मेरी टारगेट कॉस्टिंग टीम में अलग अलग प्रोसेस के लोग हैं, अलग अलग लेवल के लोग हैं, और वो सब मिलकर के काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वहां पर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा राइज होने वाली है, और उन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम मैनेजर का होना जरूरी है। नंबर दो, हमें दबाव डालकर एम्प्लॉयज से चेंजेस करवाने, वो काम तब तक नहीं होगा जब तक हमारा टीम लीडर, टीम मैनेजर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे ये टारगेट कॉस्टिंग का जो काम है इसमें हमें बहुत सारी प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, बहुत सारी प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करना है, तो ये जो कॉस्ट रिडक्शन का काम है ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ये कोई भी ऐसा आदमी नहीं कर सकता जिसको सारे सॉफ्टवेयर्स की जानकारी ना हो, जिसे पूरी प्रोसेसेस की जानकारी ना हो, वो आदमी ये काम नहीं कर सकता। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग टीम मैनेजर का होना जरूरी है ताकि बिहेवियरल इश्यूज ना आए और वो सारी की सारी प्रोसेसेस को और सारे के सारे टूल्स को इंटीग्रेट करके यूज कर पाए। थर्ड वन इज टीम मेंबर्स ऑन फुल टाइम बेसिस।
मतलब टारगेट कॉस्टिंग टीम में आप जो भी मेंबर्स हमें दे रहे हो वो मेंबर्स फुल टाइम मेंबर्स होने चाहिए, मतलब उनका फुल टाइम काम होना चाहिए टारगेट कॉस्टिंग, पार्ट टाइम काम नहीं। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि वर्कर जो है वो अपना रेगुलर काम भी करेगा और टारगेट कॉस्टिंग टीम का भी पार्ट रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। टारगेट कॉस्टिंग टीम में जो भी आदमी डाला जाएगा वो फुल टाइम सिर्फ टारगेट कॉस्टिंग में ही दिमाग लगाएगा, क्योंकि टारगेट कॉस्टिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर रिजॉल्व करना है तो आपको मेंबर्स भी फुल टाइम बेसिस पे चाहिए, पार्ट टाइम बेसिस पर काम नहीं हो पाएगा। एंड लास्ट वन इज टीम वर्क, हमें सारे के सारे लोगों को मिला करके टीम एफर्ट वाली फीलिंग डेवलप करनी है, और टीम एफर्ट वाली फीलिंग डेवलप करके फिर हम लोगों को टारगेट कॉस्टिंग का काम करना है। प्रॉब्लम यह है टारगेट कॉस्टिंग टीम में अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं जो पहले एक दूसरे के साथ पे कंपटीशन करते आए हैं, अलग अलग लेवल के लोग हैं, मतलब सुपीरियर भी है सबॉर्डिनेट भी है, लेकिन यहां पर तो सब लोग बराबर हो गए, तो ऑब्वियस ही बात है टीम फीलिंग डेवलप करना यहां पर बहुत मुश्किल काम रहेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग टीम मैनेजर रहेगा तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, सबके बीच में टीम वर्क वाली फीलिंग आएगी, और एक बार अगर टीम वर्क वाली फीलिंग आ गई तो टारगेट कॉस्टिंग जो है वो पक्का अपने टारगेट को अचीव कर पाएगा। ठीक है, देन कम्स मनी। अब ऑब्वियस ही बात है टारगेट कॉस्टिंग के लिए अपने को बहुत सारा पैसा चाहिए, और ये पैसा आपको कहां से मिलेगा, कौन लाके देगा, मैनेजमेंट स्पॉन्सर। कैसे लाके देगा, बजट में सेपरेट एलोकेशन करवा के, मतलब जो हमारा मैनेजमेंट स्पॉन्सर है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से फाइट करेगा और बोलेगा बजट में टारगेट कॉस्टिंग के लिए सेपरेट फंड एलोकेशन होना चाहिए, और सेपरेट फंड एलोकेशन अगर बजट में हो गया तो फिर हमारी पैसे की आपूर्ति में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, टारगेट कॉस्टिंग टीम को टाइम पर पैसा मिलेगा, और अगर टाइम पर पैसा मिला तो फिर भैया कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड लास्ट वन इज रिसोर्सेस। अब ऑब्वियस ही बात है टारगेट कॉस्टिंग के लिए मुझे बहुत सारे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत सारे डिजाइनिंग टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी, और जो कंपनी का कॉस्ट डेटा है, कंपनी का जो कॉस्ट डेटा है वो कॉस्ट डेटा भी मुझे पूरा का पूरा अवेलेबल होना पड़ेगा, तभी मैं टारगेट कॉस्टिंग का काम कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर टारगेट कॉस्टिंग लाना चाहता है तो टारगेट कॉस्टिंग लाने के लिए उसे कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी, किस तरह की, सबसे पहला उसे तैयारी करनी पड़ेगी पावर की, उसे तैयारी करनी पड़ेगी मेंबर्स की, लोगों की, उसे तैयारी करनी पड़ेगी पैसे की और रिसोर्सेस की। ठीक है, चार चीजें मेन है। सबसे पहला पावर, पावर कहां से मिलेगी, प्रोजेक्ट चार्टर से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाकर हमको देंगे। लोगों में सबसे पहला मुझे चाहिए एक मैनेजमेंट स्पॉन्सर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर होगा, जो उनके साथ में लड़ करके हमारे लिए पैसे लाएगा, पावर लाएगा, ठीक है, और हमारा पक्ष बोर्ड के सामने रखेगा, क्योंकि हम तो बोल नहीं पाएंगे, हम तो लोअर लेवल एम्प्लॉइज हैं, हम नहीं बोल पाएंगे। नंबर तीन, आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग टीम लीडर, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग यहां पर आ रहे हैं तो उनको मैनेज करना आसान नहीं रहेगा। दूसरी बात, टारगेट कॉस्टिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसे हैंडल करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और टूल्स की आवश्यकता है, तो ऑब्वियस बात है उनकी प्रॉपर नॉलेज वाला बंदा आपको मिलना जरूरी है, दैट इज टीम लीडर। तो स्ट्रॉन्ग टीम मैनेजर आपका होना जरूरी है। नंबर तीन, सारे टीम मेंबर्स फुल टाइम बेसिस पर होने चाहिए, पार्ट टाइम बेसिस पर नहीं होने चाहिए। एंड लास्टली, सारे टीम मेंबर्स के बीच में टीम स्पिरिट होनी चाहिए, टीम वाली भावना होनी चाहिए, इंडिविजुअल सक्सेस वाली भावना नहीं होनी चाहिए। मनी बजट में सेपरेट एलोकेशन करके अपने को फंड अवेलेबल करवाया जाना चाहिए। एंड लास्ट वन इज रिसोर्सेज, मुझे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की आवश्यकता है, बहुत सारे डिजाइनिंग टूल्स की आवश्यकता है, और जो कंपनी का कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा है उसका भी मुझे पूरा एक्सेस चाहिए, अदरवाइज मैं टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारी की सारी चीजें प्रिलिमिनरी एफर्ट से जो अपने को करने हैं टारगेट कॉस्टिंग को लाने से पहले। ठीक है, अब सवाल आता है सर ये बताओ कि अगर टारगेट कॉस्टिंग को आप ले आते हो तो टारगेट कॉस्टिंग को लाने से आपको फायदा क्या क्या होगा। सिंपल सी बात है, आपको कॉस्ट लीडरशिप मिलेगी, आपने अपनी कॉस्ट को गिराकर टारगेट कॉस्ट तक ले आए हो तो ऑब्वियस बात है अब आपको कॉस्ट लीडरशिप मिल जाएगी, मतलब इंडस्ट्री में
अपनी जो कॉस्ट है वो कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफी कम हो जाएगी, ठीक है। नंबर दो, हमें रियल कॉस्ट रिडक्शन अचीव होगा। रियल कॉस्ट रिडक्शन बोले तो मतलब अपने को जो कॉस्ट रिडक्शन अचीव हो रहा है वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके नहीं हो रहा, वो वन टाइम मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं हो रहा, वो परमानेंटली हमें कॉस्ट रिडक्शन अचीव हो रहा है। मतलब ये रियल कॉस्ट रिडक्शन हम लोगों को अचीव हो रहा है, ठीक है। अभी कैसे होगा, शुरुआत में जब हम लोग प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे और प्रोसेस को डिजाइन करेंगे, हम वहीं पर अपने प्रोडक्ट की डिजाइन को बदलकर या प्रोसेस को बदलकर हम अपनी कॉस्ट को वहीं पर कम कर लेंगे, ठीक है। तो हमें रियल कॉस्ट रिडक्शन अचीव होगा, क्यों, क्योंकि हमने डिजाइन को बदला है, हमने प्रोसेस को बदला है, और ये मेजर ये बेसिक चीजों को बदलकर हमने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस किया है, ठीक है। इसके अलावा अपने को जो कॉस्ट रिडक्शन अचीव होगा ये परमानेंट नेचर का होगा। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज जो है, जो भी हमारी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है, उनको हम डिजाइन वाली स्टेज पर ही एलिमिनेट कर देंगे, और डिजाइन वाली स्टेज पर ही अगर एलिमिनेट कर दिया तो ऑटोमेटिकली अपने को रियल कॉस्ट रिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, इनोवेशन, टारगेट कॉस्टिंग काम करने के तरीकों को बदलने पर विचार करती है, रिसोर्सेस को बदलने पर विचार करती है, डिजाइन को बदलने पर विचार करती है, ताकि कॉस्ट रिडक्शन मिले पर प्रोडक्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसका मतलब ये बेसिकली क्या इस्तेमाल कर रही है, इनोवेशन। हम इनोवेशन लाकर, हम नया तरीका डेवलप करके, डिजाइन नहीं डेवलप करके हम अपनी कॉस्ट को कम करने का प्रयास करते हैं, दैट ब्रिंग्स इनोवेशन। देन मार्केट ड्रिवन स्ट्रेटेजी, हम यहां पर सेलिंग प्राइस मार्केट के अकॉर्डिंग तय कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मार्केट के अकॉर्डिंग तय कर रहे हैं, और मार्केट के अकॉर्डिंग सारी चीजें तय करके हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये स्ट्रेटेजी मार्केट ड्रिवन है, मतलब हम मार्केट को इग्नोर नहीं कर रहे, हम मार्केट की सारी कंडीशंस को, मार्केट की सिचुएशन को देखकर अपने प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये मार्केट ड्रिवन स्ट्रेटेजी है, हम मार्केट को इग्नोर नहीं कर रहे, इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट की सफलता में कोई बैरियर नहीं आने वाला है। देन और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, हम कॉस्ट को कम करने का प्रयास बाद में नहीं कर रहे, हम कॉस्ट को कम करने का प्रयास डिजाइन वाले स्टेज पर ही कर रहे। नंबर दो, प्रोडक्शन एंड सेल्स कोऑर्डिनेशन, हम बाजार में कैसा माल बिकना चाहिए, ठीक है, कितने में बिकना चाहिए, हमने ये देखा और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है, कितने में बिकना चाहिए, कैसा बिकना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्शन को मैनेज कर रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है, हमारे प्रोडक्शन और सेल के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। मान लो अगर हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो मार्केट की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो सेल्स वालों के लिए माल को बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्रोडक्शन और सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन हम वही माल बना रहे हैं जो सेल्स वाले लोगों ने बनाने को बोला है, जैसा सेल्स वाले लोगों ने बनाने के लिए बोला हम माल वैसा ही बना रहे, तो सेल्स वाले लोगों के लिए माल बेचना ज्यादा आसान रहेगा। तो प्रोडक्शन और सेल के बीच में ज्यादा बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। देन कम्स बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेस, हम यहां पर हर तरह के वेस्ट को मिनिमाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है, रिसोर्सेस का बेटर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। एंड लास्ट वन, ये होलिस्टिक अप्रोच है, मतलब इसमें हम किसी एक प्रोसेस या एक डिपार्टमेंट में दिमाग नहीं लगाते, हम प्रोडक्ट के डिजाइन से लेकर कस्टमर सर्विस तक सारी कॉस्ट को कंसिडर करते हैं और सारी कॉस्ट को रिड्यूस करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, ये इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है। और होलिस्टिक अप्रोच होने का सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि हमारी पूरी की पूरी वर्किंग कोऑर्डिनेटेड होती है, और पूरी की पूरी वर्किंग अगर हमारी ज्यादा कोऑर्डिनेटेड होगी तो ऑब्वियस सी बात है, उसका अल्टीमेटली फायदा तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ओके। लेकिन अब टारगेट कॉस्टिंग की एडवांटेजेस तो है, लेकिन साथ में डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहली डिसएडवांटेज है टाइम कंज्यूमिंग। टारगेट कॉस्टिंग में आप कॉस्ट रिड्यूस करने में इतना टाइम लगा देते हो कि लॉन्चिंग का प्रॉपर टाइम ही निकल जाता है। दूसरी प्रॉब्लम, टीम मैनेजर,
एक ऐसा स्ट्रॉन्ग टीम मैनेजर जो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से आए हुए अलग अलग लेवल्स के लोगों को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर पाए, जैसे सारी प्रोसेसेस का पूरा ज्ञान हो, जैसे सारे के सारे डिजाइनिंग टूल और कॉस्ट रिडक्शन टूल्स की पूरी जानकारी हो, ऐसा टीम मैनेजर मिलना आमतौर पर संभव नहीं हो पाता है। तो टीम मैनेजर जैसा हमें चाहिए वैसा मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता। नंबर तीन, कोऑर्डिनेशन। प्रॉब्लम यह आती है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग लेवल से आए हुए लोग हैं वो एक दूसरे के साथ को स्वीकार नहीं कर पाते और उनके बीच में वैमनस्य जो है वो जो राइवलरी है जो है वो पनप जाती है और राइवलरी के कारण हमारा जो टीम है वो प्रॉपर टीम फीलिंग के साथ में काम नहीं कर पाती, टीम एफर्ट के साथ में काम नहीं कर पाती और उसी वजह से हम लोग टारगेट कॉस्टिंग को अचीव नहीं कर पाते। मतलब प्रॉब्लम यह है कि अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग लेवल से आए हुए लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत मुश्किल रहता है। देन क्वालिटी इशू। जो हमारे टारगेट कॉस्टिंग टीम के मेंबर्स हैं, क्योंकि वो है तो एम्प्लॉई, वो बहुत दिलो जान से कोशिश नहीं करते, वो लोग टारगेट कॉस्ट को अचीव करने के लिए वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वो क्वालिटी रिड्यूस करके टारगेट कॉस्ट को अचीव करने का प्रयास करते हैं, वो अपनी प्रोसेस और डिजाइन को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करते। एंड लास्ट वन इज एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बेटा अल्टीमेटली टारगेट कॉस्ट में आप जो कॉस्ट, करंट कॉस्ट जो निकाल रहे हो और टारगेट कॉस्ट जो निकाल रहे हो और कॉस्ट रिडक्शन का जो टारगेट बना रहे हो, ऑब्वियस सी बात है ये सारा डेटा कॉस्ट अकाउंटिंग से आ रहा है और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम बहुत सारी अजम्पशंस का इस्तेमाल करते हैं और उन अजम्पशंस की वजह से जो कॉस्ट है उसकी एक्यूरेसी पूरी तरह रिलायबल नहीं होती, मतलब कॉस्ट पूरी तरह एक्यूरेट नहीं होती। और क्योंकि कॉस्ट एक्यूरेट नहीं है इसलिए इससे मिलने वाले रिजल्ट भी आपको एक्यूरेट नहीं मिल पाएंगे। तो प्रॉब्लम इज एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट। जो करंट कॉस्ट आपने निकाली है, जो टारगेट कॉस्ट निकाली है, जो कॉस्ट रिडक्शन टारगेट है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा पर आधारित है जो खुद कभी भी एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। और इस वजह से ये सभी चीजें, ये कॉस्ट रिडक्शन भी एक्यूरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या क्या है? सबसे पहला, बहुत ज्यादा टाइम लेता है। नंबर दो, बहुत ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग टीम लीडर है वो नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा, कॉस्ट जो है उसमें एक्यूरेसी नहीं रहती है। एंड नंबर पांच, क्वालिटी इशू, मतलब जो टीम के मेंबर्स हैं वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करके टारगेट कॉस्ट को अचीव करने का प्रयास करते हैं। बात खत्म। तो चलिए बेटा, यहां पर मेरी बात होती है खत्म और यहां पर हमारा टारगेट कॉस्टिंग का जो टॉपिक है वो भी खत्म हो जाता है। मैंने आपको टारगेट कॉस्टिंग का मीनिंग बताया, टारगेट कॉस्टिंग के मैंने आपको स्टेप्स बताई, टारगेट कॉस्टिंग की प्रिलिमिनरी स्टेप्स जो है वो मैंने आपको बताई, मैंने एडवांटेजेस भी बता दी और मैंने आपको डिसएडवांटेजेस भी बता दी। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटी में मैंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया था, वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग। अब ये वैल्यू एनालिसिस क्या है और वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है, इसे समझने के लिए चलते हैं अगले चैप्टर पे। तो बेटा, हमारा वैल्यू एनालिसिस क्या है और वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है, इन दोनों बातों को समझने के लिए अब हम आते हैं अपने अगले चैप्टर पे। और हमारा अगला चैप्टर है वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। तो जल्दी से बताओ कि आप लोग वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग को समझने के लिए बिल्कुल तैयार है? यस सर, हम बिल्कुल तैयार है। तो चलो, क्वेश्चन आता है कि सर ये बताओ, ये वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग जो है वो क्या चीज है? तो जरा ध्यान से समझना दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, जब हम अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो हम लोग लगातार ये एनालिसिस करते हुए चलते हैं कि क्या हम अपने प्रोडक्ट का डिजाइन बदलकर या प्रोडक्शन की प्रोसेस को बदलकर या रॉ मटेरियल को बदलकर हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं क्या, और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम उस ऑल्टरनेटिव को इंप्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इस चेंज में हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, सुटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इनमें से किसी भी चीज पर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। मतलब हम प्रोडक्ट की क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, डिजाइन, हम किसी भी चीज में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। तो सिंपल सा लॉजिक है, हम लोग अपने प्रोडक्ट का डिजाइन बदलने के बारे में सोचते हैं, प्रोसेस को बदलने के बारे में सोचते हैं, रॉ मटेरियल को बदलने के बारे में सोचते हैं, ताकि हम बिना अपने प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी, सुटेबिलिटी, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी,
को इफेक्ट किए बिना हम लोग अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाए, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। अब एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप लोग ये एनालिसिस जो कर रहे हो, कॉस्ट को रिड्यूस करने का जो प्रयास कर रहे हो, ये फॉर्मल प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले अगर करते हो, देन इट इज कॉल्ड वैल्यू इंजीनियरिंग। और अगर आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च्ड है, प्रोडक्शन की प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है, मतलब आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, और अगर आप ये कार्रवाई अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर करते हो, देन दैट इज कॉल्ड वैल्यू एनालिसिस। तो बेटा यहां पर दो चीजें हैं, वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग, और सिंपल सा लॉजिक है, अगर प्रोडक्शन शुरू होने से पहले मतलब डिजाइनिंग वाले स्टेज पर अगर आप ये काम कर रहे हो, देन इट इज वैल्यू इंजीनियरिंग, और अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन चालू है, और उसके दौरान अगर आप ये वाला काम करते हो, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एनालिसिस। सिंपल लॉजिक। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है, सर ये बताओ कि वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग का जो हमारा स्कोप है वो क्या है, मतलब हम इसमें क्या कवर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग के टाइम पर में अपन लोग करते क्या है, अपन सारी की सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं और कौन सी एक्टिविटीज नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज सिंपली वो एक्टिविटीज होती है जिनको बंद कर देने से कस्टमर को मिलने वाली वैल्यू में कोई कमी नहीं आएगी, दे आर कॉल्ड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। मतलब मान लीजिए अगर कोई एक्टिविटी है और अगर मैं उस एक्टिविटी को बंद कर देता हूं, तो ना तो मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कमी आएगी, ना ड्यूरेबिलिटी में कोई कमी आएगी, ना सुटेबिलिटी में कोई कमी आएगी, ना प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी, ना ही कस्टमर को मिलने वाले बेनिफिट में कोई कमी आएगी। तो ऐसी एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। लेकिन दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसे बंद करने पर कस्टमर को मिलने वाली रिलायबिलिटी, क्वालिटी, फंक्शनैलिटी, सुटेबिलिटी जो है वो अगर रिड्यूस हो जाएगी, तो ऐसी एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड एक्टिविटी। अब वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग का सारा जो आइडिया है वो इस पर बेस्ड है कि जो फंक्शनैलिटी, जो क्वालिटी, जो रिलायबिलिटी, जो ड्यूरेबिलिटी कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट नहीं करती है उसे बंद कर दो, और जो वैल्यू क्रिएट करती है उसे और बेटर तरीके से करने का रास्ता ढूंढो। मतलब जो वैल्यू एडेड एक्टिविटी है उनको इंप्रूव करने में दिमाग लगाओ और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को बंद करने में दिमाग लगाओ। दैट इज कॉल्ड स्कोप ऑफ वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। ठीक है। अच्छा, अगली बात आती है कि सर ये बताओ वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट है, वो टारगेट क्या है। बेटा वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग में जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि क्या हम डिजाइन को इंप्रूव कर सकते हैं, क्या हम लोग प्रोडक्शन की प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं, क्या हम लोग रॉ मटेरियल को इंप्रूव कर सकते हैं क्या। तो हमें अपनी प्रोडक्ट की डिजाइन में, प्रोसेस में और रॉ मटेरियल में इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर दो, हम वो फंक्शंस आइडेंटिफाई करते हैं जो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे। मतलब वो फंक्शंस क्या हैं जिन्हें अगर प्रोडक्ट से हटा दिया जाए तो भी कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम उन फंक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर तीन, अननेसेसरी ड्यूरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना, मतलब हमारे प्रोडक्ट की वो ड्यूरेबिलिटी जो कस्टमर यूटिलाइज ही नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड अननेसेसरी ड्यूरेबिलिटी। हम लोग उस अननेसेसरी ड्यूरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। अब बच्चे बोलते हैं सर इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर मैंने एक ऐसा फोन बनाया जो 10 साल तक बहुत जबरदस्त काम करेगा, लेकिन मुझे यह पता है कि 2 साल के बाद में यह टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी और मेरा कस्टमर 2 साल के बाद इस फोन को इस्तेमाल ही नहीं करेगा। अब सोचो मैंने इतनी बढ़िया क्वालिटी का फोन बनाया कि 10 साल तक बिना किसी परेशानी के चल सकता है, लेकिन मेरा कस्टमर टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से 2 साल के बाद में इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। इसका मतलब 8 साल की जो ड्यूरेबिलिटी हमने क्रिएट की है वो ड्यूरेबिलिटी हमने अननेसेसरीली क्रिएट कर दी है और उससे कस्टमर को कोई भी फायदा नहीं होने वाला। हमारी जो कॉस्ट लग रही है वो यहां पर वेस्ट हो रही है। तो हम लोग अननेसेसरी ड्यूरेबिलिटी को भी आइडेंटिफाई करते हैं
और अननेसेसरी ड्यूरेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो हम उस अननेसेसरी ड्यूरेबिलिटी को रिमूव करेंगे, और अननेसेसरी ड्यूरेबिलिटी को रिमूव करने से हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, पर कस्टमर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस करते समय, मतलब ये 8 साल की जो एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी है, इसे हटाते टाइम एक बात का बहुत खास ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट का लुक जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। मतलब कस्टमर जब प्रोडक्ट हाथ में ले तो उसे क्वालिटी डाउनग्रेडेड महसूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ड्यूरेबिलिटी का सेक्रीफाइस करो जो अननेसेसरी है, लेकिन एट द सेम टाइम प्रोडक्ट की क्वालिटी लुक खराब नहीं होना चाहिए। मतलब हाथ में लेने पर प्रोडक्ट की क्वालिटी हल्की है ये ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो बेटा जो वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग के जो ऑब्जेक्टिव है वो 3 है। सबसे पहला ये आइडेंटिफाई करना कि हम प्रोसेस डिजाइन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और जो प्रोसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और रॉ मटेरियल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अननेसेसरी फंक्शनैलिटी क्या है जिसे हम हटा सकते हैं, और अननेसेसरी ड्यूरेबिलिटी क्या है जिसे हम लोग हटा सकते हैं। ये 3 हमारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, टारगेट रहेंगे, ठीक है? खैर, अब क्वेश्चन आता है बेटा कि जब हम लोग वैल्यू एनालिसिस या वैल्यू इंजीनियरिंग करेंगे, तो वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग करते समय हमारे दिमाग में जो मेजर कंसिडरेशंस रहेंगे वो मेजर कंसिडरेशंस क्या होंगे? सबसे पहला आइडेंटिफाई एंड डिटरमिन। ये डोमिनेट नहीं है, डिटरमिन है। आइडेंटिफाई एंड डिटरमिन अननेसेसरी फंक्शंस फ्रॉम दी प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है? और आप इसे फंक्शंस की जगह अगर एक्टिविटीज कर लोगे तो भी ठीक है। सर इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहला आप एनालाइज करो कि आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। उन सारी की सारी एक्टिविटीज में आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है और कौन कौन सी एक्टिविटीज नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है। जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उन्हें बंद करना है और वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को इंप्रूव करना है। सिंपल बात। नंबर 2, दूसरा हमारा कंसिडरेशन है आइडेंटिफाई ड्यूप्लिसिटी ऑफ एक्टिविटीज। मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कई चीजें होंगी जो अलग अलग डिपार्टमेंट बार बार कर रहा है पर वो सेम ही चीज है। मतलब डिपार्टमेंट 1 भी वही चीज कर रहा है, डिपार्टमेंट 2 भी वही चीज कर रहा है, डिपार्टमेंट 3 भी वही चीज कर रहा है, तो यहां पे ड्यूप्लीकेसी ऑफ एफर्ट आ रहा है। और जहां कहीं पे भी ड्यूप्लीकेसी ऑफ एफर्ट है वो आइडेंटिफाई करो और डुप्लीकेट एक्टिविटीज को एलिमिनेट करो ताकि हमारी कॉस्ट सेव हो, ठीक है? तो अननेसेसरी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है, ड्यूप्लीकेट एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? आगे आइडेंटिफाई अननेसेसरी प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। हमारे प्रोडक्ट में जो अननेसेसरी ड्यूरेबिलिटी है उसे रिमूव करो। सर कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए अपने को ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को 2 साल से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा, तो 2 साल के बाद वाली जो ड्यूरेबिलिटी है वो कस्टमर के काम नहीं आने वाली है, लेकिन उस ड्यूरेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए हमारी कॉस्ट लगती है। अब एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं 8 साल की ड्यूरेबिलिटी को सेक्रीफाइस कर दूं, कम कर दूं, और मेरे प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी 2 साल ही कर दूं जितना टाइम मेरे कस्टमर को इस्तेमाल करना है, या फिर ऐसा करें अगर हमें लगता है कस्टमर 2 साल तक हमारे फोन को इस्तेमाल करेगा तो हमने उसे 3 साल के लिए ड्यूरेबल बना दिया, 1 साल हमने एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी दे दी, लेकिन 7 साल की जो ड्यूरेबिलिटी है वो हमने सेक्रीफाइस कर दी, एलिमिनेट कर दी, तो हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और कस्टमर को मिलने वाली वैल्यू पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ड्यूरेबिलिटी सेक्रीफाइस करते टाइम ध्यान रखना कि प्रोडक्ट के अपर लुक से लोअर क्वालिटी नहीं लगनी चाहिए। मतलब जब कोई कस्टमर प्रोडक्ट हाथ में ले तो हाथ में लेने पर उसे वो प्रोडक्ट इंफीरियर क्वालिटी का फील नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आप लोग कभी भी टपरवेयर की बॉटल हाथ में लेते हैं तो टपरवेयर की बॉटल हाथ में लेते ही आपको उसकी क्वालिटी जो है वो आपको फील हो जाती है कि हाँ इसकी क्वालिटी बाकी बॉटल से बेटर है। अब मान लीजिए अगर टपरवेयर अपनी ड्यूरेबिलिटी का सेक्रीफाइस कर रहा है, टपरवेयर को लगता है कि 3 साल से ज्यादा कोई भी जना इस बॉटल को यूज नहीं करेगा,
तो तीन साल से आगे वाली ड्यूरेबिलिटी को अगर टपरवेयर खत्म करने की कोशिश करता है तो भी टपरवेयर इस बात का ध्यान रखेगा कि कस्टमर जब मेरी बॉटल को हाथ में ले तो उसे बॉटल की क्वालिटी इंफीरियर नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, डिजाइन मिनिमाइजेशन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग में हम लोग ये दिमाग लगाते हैं कि प्रोडक्ट का जो डिजाइन है वो एकदम सिंपल हो। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट का जो डिजाइन है वो एकदम सिंपल हो, प्रोडक्ट के अंदर जो कॉम्पोनेंट लग रहे उन कॉम्पोनेंट्स का प्लेसमेंट भी बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। सर इसका फायदा ये होगा बेटा कि अगर आपने प्रोडक्ट का डिजाइन सिंपल रखा तो प्रोडक्ट को असेंबल करने में हमें कम देर लगेगी, प्रोडक्ट को असेंबल करने में टाइम कम लगेगा। नंबर दो, जो प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि असेंबलिंग सिंपल है। यहां तक कि हम डिजाइन को इतना मॉडिफाई कर सकते हैं कि कोई भी कंपोनेंट गलत तरीके से फिट ही नहीं होगा। अब जैसे अपन लोग दो कंपोनेंट ले और कंपोनेंट के हुक्स को मिलाने की कोशिश करें तो वो हुक का शेप ही ऐसा हो कि वो गलत लग ही नहीं सके, वो सही लगेगा तो ही फिट होगा, अदरवाइज वो फिट ही नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि डिजाइन वाली स्टेज पर ही हम लोग एरर या डिफेक्टिव का प्रोडक्शन पैदा होना ही इंपॉसिबल कर सकते हैं। तो हम लोगों को डिजाइन क्या करनी है, सिंप्लीफाई, ताकि हमारे प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो, रिलायबिलिटी ज्यादा हो, प्रोडक्शन मतलब असेंबलिंग में, असेंबल और प्रोडक्शन करने में कम टाइम लगे। नंबर चार, डिफेक्टिव यूनिट बनना पॉसिबल ही नहीं हो, मतलब डिफेक्ट गलत तरीके से असेंबल करना पॉसिबल ही नहीं हो, इस तरह का हम लोग डिजाइन कर देंगे। दैट इज कॉल्ड डिजाइन मिनिमाइजेशन। अच्छा, एक और बात अपन लोग ये भी कर सकते हैं डिजाइन में, अपन लोग ये भी जो काम है वो हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग ऐसे पार्ट्स का इस्तेमाल करें जो मल्टीपल फंक्शन करते हो। मतलब सोचो, अगर मैं एक पार्ट लगाऊं जो पांच फंक्शन कर सकता है तो मुझे पांच पार्ट्स लगाने की जगह सिर्फ एक पार्ट लगाना पड़ेगा। तो हमें मल्टी फंक्शनल पार्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि एक पार्ट लगाने पर पांच पार्ट्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए। इसका एक और फायदा यह होगा कि पांच सप्लायर की जगह आपको सिर्फ एक सप्लायर से डील करना पड़ेगा तो आपकी जो परचेजेस है वो ज्यादा कोऑर्डिनेटेड हो पाएंगी और आपको भी इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, चलो आगे। प्रोडक्ट शुड बी डिजाइन टू यूनाइट अवर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बेटा जो हमारा प्रोडक्ट है उसका डिजाइन इस तरीके से किया जाना चाहिए कि असेंबलिंग में लगने वाला जो टाइम है वो हमारा कम से कम हो और बनने वाले डिफेक्टिव की संख्या जीरो हो जाए। ठीक, जो बात मैं अभी आपको समझा रहा था, डिजाइन मिनिमाइजेशन, और ये वाला जो पॉइंट है ये है डिजाइन सिंप्लीफिकेशन। डिजाइन मिनिमाइजेशन मतलब आप ऐसे पार्ट्स का इस्तेमाल करो जो ज्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हो ताकि आपके प्रोडक्ट में लगने वाले पार्ट्स कम से कम हो। तो आपको कम से कम सप्लायर के साथ में डील करना पड़ेगा और कम से कम सप्लायर के साथ में डील करोगे तो कोऑर्डिनेशन ज्यादा बेटर होगा। दैट इज कॉल्ड डिजाइन मिनिमाइजेशन। और ये जो पॉइंट है ये है डिजाइन सिंप्लीफिकेशन। प्रोडक्ट का डिजाइन इतना सिंपल हो कि असेंबल करने में हमें कम से कम टाइम लगे और डिजाइन इस तरीके का हो कि एरर इन असेंबली पॉसिबल ही नहीं हो, मतलब असेंबल करने में किसी भी प्रकार की गलती होना पॉसिबल ही नहीं हो। वो जो डिजाइन है वो इस तरह का हो कि कोई भी पार्ट गलत तरीके से इंस्टॉल हो ही ना पाए, फिट ही नहीं हो। ठीक है, ओके, आगे। सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट्स। हम लोग जब वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जो जो पार्ट्स हम लोग अपने प्रोडक्ट के अंदर काम में ले रहे हैं क्या उनके सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, क्या उन सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करके हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं क्या बिना रिलायबिलिटी, क्वालिटी, फंक्शनैलिटी, सुटेबिलिटी को इफेक्ट किए हुए, मतलब इनको इफेक्ट किए बिना क्या हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएंगे सब्स्टिट्यूट पार्ट का इस्तेमाल करके। ठीक है, और ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि समय के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी आती जाती है और नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ नए पार्ट्स आते जाते हैं और हो सकता है कि अब जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया था तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी में काफी बदलाव आ गया हो और अब नए तरह के पार्ट्स बाजार में उपलब्ध होने लग गए हो जो मल्टी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ज्यादा रिलायबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, कम कीमत पर अवेलेबल हो, तो हमें उन्हें एक्सप्लोर करना जारी रखना चाहिए। तो वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग में हम लोग सब्स्टिट्यूट पार्ट्स की खोज जारी रखते हैं।
देन कम्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप। वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग में हम एक और बात की कोशिश करते हैं कि जो हमारे एक्टिविटीज है वो कंबाइन हो पाए। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि क्या हम लोग दो अलग अलग स्टेप का काम एक ही स्टेप में परफॉर्म कर सकते हैं क्या? मतलब क्या ये पॉसिबल है कि दो स्टेप को दो स्टेप परफॉर्म करने की जगह हम एक ही स्टेप में दोनों स्टेप्स का काम कर ले? और जहां पर भी ऐसा पॉसिबल होगा हम स्टेप्स को कंबाइन कर देंगे, इससे हमारी लगने वाला हमारे प्रोडक्शन में लगने वाला टाइम और लगने वाली कॉस्ट दोनों रिड्यूस हो पाएंगी। ठीक है, नॉलेज शेयरिंग विद सप्लायर। वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग जो है वो कोशिश करता है कि जितने भी अपने सप्लायर हैं उनके साथ में अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में नॉलेज शेयर की जाए, क्योंकि हम जितनी नॉलेज अपने सप्लायर के साथ में शेयर करेंगे, जितना डिस्कशन हमारे सप्लायर के साथ में शेयर करेंगे उतना हम ही को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? एक, सप्लायर को उन पार्ट्स के बारे में, कॉम्पोनेंट के बारे में, रॉ मटीरियल के बारे में हमसे ज्यादा जानकारी है, तो जो रॉ मटीरियल का सप्लायर है वो हो सकता है वो हमें और बेटर सब्स्टिट्यूट जो है उनके बारे में बता दे, वो हमें बताए कि साहब आप अगर आपको ये वाला काम करवाना है तो आप इस कॉम्पोनेंट की जगह ये वाला कॉम्पोनेंट काम में लो, सस्ता भी पड़ेगा और ज्यादा असर भी आएगा। तो सप्लायर उस कॉम्पोनेंट के बारे में हमसे बेहतर जानता है, इसलिए वो हमें और बेटर कॉम्पोनेंट सजेस्ट कर सकता है। एक फायदा। नंबर दो, जब सप्लायर हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझेगा तो वो ये बोलेगा कि अच्छा आपको ये वाली दिक्कत आती है, ठीक है मैं अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में ये बदलाव कर लेता हूं और ये बदलाव करके मैं आपको दूंगा, तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। तो नॉलेज शेयर करने से ये भी फायदा हुआ। नंबर तीन, हम लोग सप्लायर को मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई तुम भी अपना वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग करो, और सप्लायर अगर हमारी बात मानकर खुद भी वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग करेगा तो सप्लायर की खुद की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, और अगर सप्लायर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो गई तो हम ही को वो माल सस्ते में मिलेगा। तो अगर वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग करके अगर सप्लायर ने अपनी कॉस्ट को कम कर लिया तो इनडायरेक्टली फायदा उसका किसको मिलेगा? हमको, क्योंकि वो हमें अब कम रेट में माल देने को तैयार हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई बेटर वेज। और पॉइंट है, हम लोग वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग में हर काम को करने के बेहतर तरीके ढूंढते हैं। आपको मालूम है वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग में अपन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को बंद कर देते हैं और वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के बेटर वेज आइडेंटिफाई करते हैं, और यही हमारा मेजर कंसिडरेशन रहता है वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग में, हर काम को करने का पहले से बेहतर तरीका ढूंढना। इट इज कॉल्ड वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। ठीक, तो ये सारे के सारे मेजर कंसिडरेशन हैं जो अपने को फॉलो करने होते हैं। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग की स्टेप्स क्या हैं, तो सिंपल सी बात है भैया, तीन स्टेप हैं। अब वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग में कुल मिलाकर तीन स्टेप्स होती हैं। सबसे पहला, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, मतलब आप क्या पाना चाहते हो या आपको कहां दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप उसे आइडेंटिफाई करो। उसके बाद में आप एनालाइज करो अपने रॉ मटेरियल को, कॉम्पोनेंट्स को, फंक्शंस को, प्रोसेसेस को और डिलीवरी के तरीके को। आप इन सबको एनालाइज करो और आइडेंटिफाई करो कि इन्हीं इन्हीं कामों को करने का बेटर रास्ता क्या हो सकता है, मतलब इस रॉ मटेरियल की जगह दूसरा बेहतर रॉ मटेरियल क्या हो सकता है, इस कॉम्पोनेंट की जगह सब्स्टिट्यूट कॉम्पोनेंट क्या बेहतर हो सकता है, इस प्रोसेस की जगह क्या सब्स्टिट्यूट प्रोसेस बेटर हो सकती है, इस फंक्शनैलिटी की जगह क्या दूसरा फंक्शनैलिटी ज्यादा बेटर हो सकती है, डिलीवरी का जो हमारा तरीका है उससे बेटर और डिलीवरी का क्या तरीका हो सकता है। हम इन सारे एलिमेंट्स में बेटर वेज को आइडेंटिफाई करते हैं और उन बेटर वेज को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं ताकि हमें कॉस्ट रिडक्शन अचीव हो, लेकिन लेकिन बिना सुटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, फंक्शनैलिटी को सेक्रीफाइस किए। ठीक है, दीज आर द थ्री स्टेप्स इन वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, फिर अपनी सारी एक्टिविटीज को, सारी प्रोसेसेस को, सारे रॉ मटेरियल को, कंपोनेंट को, डिलीवरी को आइडेंटिफाई करो, और नंबर तीन, इन्हें बेटर करने के रास्ते ढूंढो। ठीक है, डन। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी बात थी वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग के बारे में। अब टारगेट कॉस्टिंग का एक और हथियार है, टारगेट कॉस्टिंग का एक और हथियार है वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग के अलावा, एक और हथियार है क्या? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस इनोवेशन। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस इनोवेशन, अगर मैं समरी में बताऊं
तो प्रोसेस इनोवेशन का मतलब है हमारी कोई पर्टिकुलर प्रोसेस जो है उसमें इनोवेशन लेकर के आना, और बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग का मतलब है हमारे पूरे बिजनेस का जो सिस्टम था उस पूरे के पूरे सिस्टम को ही नए सिरे से डेवलप करना, मतलब जो पुराना सिस्टम है बिजनेस का उसको पूरा का पूरा हटा देना और बिजनेस के पूरे सिस्टम को एक नए सिरे से डेवलप करना, इसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस, इसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं इसे? बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस इनोवेशन को। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर ये प्रोसेस इनोवेशन क्या है, और मैं बोलूंगा अभी अभी तो मैंने बताया कि अगर हम लोग किसी प्रोसेस को, अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को इंप्रूव करने का तरीका अगर ढूंढ लेते हैं देन दैट इज कॉल्ड प्रोसेस इनोवेशन। ठीक है, इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू अ सिंगल प्रोसेस। ठीक है, आइए, इट मींस इंप्लीमेंट अ न्यू मेथड और सिग्निफिकेंटली इंप्रूव मेथड टू अ प्रोसेस। एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसका, जिसके लिए हमने कोई नया तरीका डेवलप कर लिया है या हमने सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड मेथड अगर हमने उसके लिए डेवलप कर लिया है देन दैट इज कॉल्ड प्रोसेस इनोवेशन। जैसे कि मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, मान लीजिए मेरा कॉपर पाइप बनाने का काम है, मैं कॉपर को पहले मेल्ट करता हूं उसके बाद में पाइप बनाता हूं। मेरी एक प्रोसेस है कॉपर को मेल्ट करना। पहले हम लोग कॉपर मेल्ट करने के लिए हम लोग कोल फर्नेस का इस्तेमाल करते थे, कोल फर्नेस का इस्तेमाल करते थे। कोयला महंगा भी आता था, आराम से अवेलेबल भी नहीं होता था, और इससे धुआं बहुत होता था, पॉल्यूशन बहुत होता था, एनवायरमेंट को नुकसान बहुत होता था। ठीक है, अब मैंने कोल फर्नेस को हटाकर उसकी जगह मैंने इलेक्ट्रिक फर्नेस लगा दिए, देन दैट इज कॉल्ड प्रोसेस इनोवेशन। मैंने प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए एक नया तरीका डेवलप कर लिया है या सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड मेथड डेवलप कर लिया है देन दैट इज कॉल्ड प्रोसेस इनोवेशन। मैंने प्रोसेस को बंद नहीं किया, मैंने प्रोसेस को रिप्लेस नहीं किया, मैंने प्रोसेस को कैरी आउट करने का तरीका नया बना दिया है देन दैट इज कॉल्ड प्रोसेस इनोवेशन। एक बात ध्यान रखना, ये चीजें प्रोसेस इनोवेशन नहीं है। अगर आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो ये प्रोसेस इनोवेशन नहीं है, आपने प्रोसेस को इनोवेट नहीं किया है। नंबर दो, सीजनल चेंजेस। अब सीजन के अकॉर्डिंग अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हो दैट इज नॉट प्रोसेस इनोवेशन, क्योंकि आपने प्रोसेस का तरीका बदला नहीं है, दीज आर सीजनल चेंजेस। डिसकंटिन्यू अ प्रोसेस, अगर आपने एक प्रोसेस ही बंद कर दी तो फिर इनोवेशन का हुआ? ठीक है, मशीन रिप्लेसमेंट, आपने पुरानी मशीन खराब गई थी, पुरानी मशीन थी, उसे रिप्लेस करके आपने नई मशीन लगा दी, देन दैट इज नॉट प्रोसेस इनोवेशन। लेकिन एक बात सुनना, अगर आपने मैनुअल मशीन्स को हटाकर अगर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लगाई है तो ये प्रोसेस इनोवेशन है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, प्रोसेस इनोवेशन में हमारा जो दिमाग काम करता है ये तीन जगह पे काम करता है, प्रोडक्शन में, डिलीवरी पे और सपोर्ट एक्टिविटी पे। प्रोसेस इनोवेशन का जो मेजर थॉट है, प्रोसेस इनोवेशन का मेजर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रहता है प्रोडक्शन के लिए जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनको बेटर करने में दिमाग लगा रहे हो, तो एक तो ये वाला हुआ डिलीवरी। डिलीवरी के लिए जो आपका तरीका है उस डिलीवरी के तरीके को बेहतर करने का कोई तरीका आपने निकाला, दैट इज प्रोसेस इनोवेशन। जो आपकी सपोर्ट एक्टिविटीज है, जैसे अकाउंटिंग करना, जैसे अकाउंटिंग करना, पहले आप मैनुअल अकाउंटिंग करते थे, अब आप कंप्यूटर पे अकाउंटिंग कर रहे हो, तो जो भी आपकी सपोर्ट एक्टिविटीज है, जैसे प्रोक्योरमेंट, अब प्रोक्योरमेंट पहले आप लोग ऑर्डर बनाकर भेजा करते थे, लेकिन अब आप लोग ऑनलाइन ऑर्डरिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब क्या है? प्रोसेस इनोवेशन। प्रोसेस इनोवेशन तीन जगह पर होगा, या तो आप अपनी प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें इनोवेशन लेकर के आ रहे हो, नंबर दो जो आपकी डिलीवरी के मेथड से आप उसमें इनोवेशन लेकर के आ रहे हो, और नंबर तीन आपकी जो सपोर्ट एक्टिविटीज है, जैसे प्रोक्योरमेंट करना, जो अकाउंटिंग करना, जो लीगल आपकी एक्टिविटीज है वो, तो जो आपकी मेंटेनेंस एक्टिविटीज है, अगर आप इन सपोर्ट एक्टिविटीज में इनोवेशन लेकर के आ रहे हो देन दैट इज कॉल्ड प्रोसेस इनोवेशन।
तो एक बात को ध्यान रखना, प्रोसेस इनोवेशन के तीन फील्ड होंगे, या तो प्रोडक्शन की प्रोसेसेस होंगी, या डिलीवरी की प्रोसेसेस होंगी, या सपोर्ट एक्टिविटीज होंगी। अब जैसे मान लीजिए आप पहले ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करते थे, अब आपने उसकी जगह टीपीएम लेकर के आ गए, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस लेकर के आ गए, तो ये क्या है? प्रोसेस इनोवेशन। ठीक है, तो प्रोसेस इनोवेशन तीन जगह पे आएगा, प्रोडक्शन की प्रोसेस में, डिलीवरी की प्रोसेस में, और तीसरा सपोर्ट सर्विसेज में। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन आता है, सर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग जो है वो अपन किसे बोलते हैं? अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर ये बताओ कि एक बिजनेस प्रोसेस क्या होती है। तो सिंपल सा जवाब है भाई, बिजनेस प्रोसेस जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज की एक सीरीज होती है। हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज की एक पूरी सीरीज परफॉर्म करते हैं और उस एक्टिविटीज की सीरीज को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर ये बताओ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होती है, ये सुनना। देखो दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग एक लंबे टाइम तक जब बिजनेस करते रहते हैं, बिजनेस करते रहते हैं और एनवायरमेंट में, और जो हमारा जो बिजनेस एनवायरमेंट है उसमें लगातार चेंजेस आते रहते हैं, और चेंजेस के अकॉर्डिंग हम लोग एडॉप्ट चेंजेस करते रहते हैं अपनी पर्टिकुलर प्रोसेसेस में। जैसे मान लो मार्केट में एक पर्टिकुलर चेंज आया, उस चेंज के अकॉर्डिंग मैं अपनी एक प्रोसेस को बदल दूंगा, फिर कोई और चेंज आया मैं अपनी दूसरी प्रोसेस को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगा, फिर तीसरा कोई चेंज आएगा मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी तीसरी प्रोसेस में कोई चेंज कर दूंगा। तो होता क्या है कि जब हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं तब हम एक बिजनेस का सिस्टम डेवलप करते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड क्या होता है, बार बार चेंजेस आते रहते हैं हमारे एनवायरमेंट में, और उसके अकॉर्डिंग हम बार बार अपनी अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग तरह के चेंजेस करते रहते हैं, जिसकी वजह से लास्टली क्या होता है कि हमारा पूरा जो बिजनेस सिस्टम है वो जैसा हमने डेवलप किया था वैसा नहीं रहता, और क्योंकि हमने अलग अलग समय पर अलग अलग प्रोसेसेस में चेंज किया है तो अब हमारा सिस्टम प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा एक और सिचुएशन आती है कि जब हमने अपने बिजनेस का सिस्टम डेवलप किया था तब टेक्नोलॉजी कुछ अलग तरह की थी, और अब कई वर्षों के बाद आज अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई तरह की है, और उस नई वाली टेक्नोलॉजी में हमारा पुराना जो बिजनेस का सिस्टम है वो सही से फिट नहीं हो पाता। तो इन दोनों सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट बिजनेस सिस्टम है उसे पूरी तरह उठाकर साइड में रख देते हैं और हम अपने बिजनेस के लिए एक नया सिस्टम डेवलप करते हैं, और ये नया सिस्टम बिल्कुल इस तरीके से डेवलप किया जाता है जैसे हम ये बिजनेस पहली बार नया नया शुरू कर रहे हैं। मतलब हम क्लीन स्लेट अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम लोग इस बिजनेस के सिस्टम को डेवलप करते टाइम ये मान के चलते हैं कि ये बिजनेस हम पहली बार नया नया शुरू कर रहे हैं, और अगर ये नया बिजनेस होता तो हमारा सिस्टम क्या होता, हम उसी तरीके से अपने बिजनेस का पूरा सिस्टम डेवलप करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। मतलब हमने पूरे बिजनेस के पुराने सिस्टम को उठाकर डिस्कार्ड कर दिया और हम लोग पुराने सिस्टम को बेटर बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम नया पूरा का पूरा बिजनेस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, क्लीन स्लेट अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हम एक नए बिजनेस की तरह पूरी प्रोसेस को डेवलप कर रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। अगर बेटा कभी कोई आपसे पूछ ले कि बताइए बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की आवश्यकता क्यों होती है, तो आप इसका सिंपल जवाब देंगे, दो रीजन है। पहला, जब हमने बिजनेस शुरू किया था तब हमने एक सिस्टम डेवलप किया था, लेकिन बाद में जब मार्केट चेंजेस आने लगे तो हमने हर चेंज का सामना करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग एडॉप्ट चेंजेस किए। अब हमारा जो सिस्टम डेवलप हुआ था शुरू में वो सिस्टम बार बार चेंज किया गया है, और बार बार एडॉप्ट चेंजेस करने से अब इस बिजनेस का पूरा जो सिस्टम है वो उतना कोऑर्डिनेटेड नहीं रह गया है, क्योंकि हमने अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों में बदलाव किए हैं। इसके अलावा जिस टाइम पर हमने इनिशियली अपना बिजनेस सिस्टम डेवलप किया था तब टेक्नोलॉजी डिफरेंट थी, और आज जो टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट है, और दोनों समय पर टेक्नोलॉजी के डिफरेंट होने की वजह से अब पुराना सिस्टम नए एनवायरमेंट में सुटेबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, पुराने सिस्टम को पूरा का पूरा हटाकर उसकी जगह नया सिस्टम डेवलप करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ठीक है, ओके, चलो अब बेटा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के कुछ की कॉम्पोनेंट्स है, कितने की कॉम्पोनेंट्स है, चार।
बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के की कॉम्पोनेंट्स कितने हैं? चार, ठीक है। अब ये चार की कॉम्पोनेंट्स क्या हैं, जरा इनके बारे में सुनो। सबसे पहला है फंडामेंटल रीथिंकिंग। अब आप मुझे बोलेंगे सर ये फंडामेंटल रीथिंकिंग क्या है? बेटा जब आप एक नया बिजनेस सिस्टम डेवलप करते हो तो आप क्या सोचते हो कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं और ये काम मैं इसी तरीके से क्यों कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे ही सोचते हैं। वैसा ही आपको बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के अंदर करना है। आपको अपने फंडामेंटल्स को रीथॉट देना है, मतलब आपके बिजनेस की जो फंडामेंटल एक्टिविटीज हैं, आपको उन फंडामेंटल एक्टिविटीज को भी रीथिंक करना है। आपको दो सवाल पूछने हैं, पहला मैं ये काम क्यों कर रहा हूं और दूसरा सवाल मैं ये काम इसी तरीके से क्यों कर रहा हूं, क्या इसका कोई और दूसरा तरीका पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो पहला फंडामेंटल्स को रीथिंक करना है, फंडामेंटल रीथिंकिंग। नंबर दो रेडिकल रीडिजाइन। बेटा रेडिकल रीडिजाइन का मतलब हम लोग अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को बेटर करने के बारे में दिमाग नहीं लगा रहे, यहां पे हम अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को इंप्रूव करने में दिमाग नहीं लगा रहे, बल्कि हम क्लीन स्लेट अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम पूरा का पूरा अपने बिजनेस का सिस्टम ही नए सिरे से डेवलप कर रहे हैं। तो अभी ध्यान रखना, हम यहां पर अपने बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर कोई इंप्रूवमेंट लाने की बात नहीं कर रहे, हम यहां पे क्लीन स्लेट अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने सिस्टम को उठाकर बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया और हम एक नए बिजनेस की तरह, जैसे किसी नए बिजनेस के लिए हम लोग अपनी प्रोसेस तैयार करते हैं, अपना सिस्टम डेवलप करते हैं, हम उसी तरीके से अपना सिस्टम डेवलप करने का प्रयास करेंगे। डेवलप न्यू बिजनेस प्रोसेस इग्नोरिंग ऑल करंट प्रोसेस नॉलेज थियरीज एंड अजम्पशंस असाइड। हम करंट नॉलेज, करंट प्रोसेस, करंट प्रोसीजर, इनको सबको सेट असाइड कर देंगे और एक नए सिरे से बिजनेस प्रोसेस को डेवलप किया जाएगा। डेवलप बिजनेस प्रोसेस एज अ न्यू बिजनेस बाय टेकिंग क्लीन स्लेट अप्रोच, क्लीन स्लेट अप्रोच, ठीक है। हम एक नए बिजनेस की तरह अपनी पूरी बिजनेस प्रोसेस को डेवलप करेंगे। देन ड्रामेटिक चेंज। बेटा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज नॉट काइजन। काइजन में हम लोग छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे इंप्रूवमेंट अचीव नहीं करना चाहते, बल्कि हम ड्रामेटिक चेंज अचीव करने की कोशिश करते हैं। मतलब हमारा प्रयास ये रहता है कि हमें बड़ा बदलाव करके लाना है, जिसके रिजल्ट एकदम अपेरेंटली दिखाई दे कि हमने कितना बड़ा चेंज किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहां पे ड्रामेटिक चेंज लाना, बड़े चेंज लाना हमारा टारगेट है, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट लाना हमारा टारगेट नहीं है, ठीक है। आइए, BPR is expected to bring major changes in our business process resulting into operational excellence and bringing back the organization into running company. मतलब पॉइंट ये है कि बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग का टारगेट काइजन की तरह छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करना नहीं है, बल्कि एक बड़ा लीप लेना है हम लोगों को, बड़ा जंप लेना है हम लोगों को अपनी बिजनेस एक्सीलेंस में, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस में ड्रामेटिक चेंज लेकर के आना है, ठीक है। छोटे छोटे चेंजेस लाना हमारा मोटिव नहीं है। एंड लास्ट वन इज प्रोसेस ओरिएंटेड। हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में हमारा कॉन्सेंट्रेशन कस्टमर के ऊपर नहीं होता, हमारा कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस के ऊपर होता है कि हम अपने बिजनेस को किस तरीके से डेवलप करें, हम अपने बिजनेस सिस्टम को किस तरीके से डेवलप करें कि हमें मोस्ट कोऑर्डिनेटेड परफॉर्मेंस मिले, मोस्ट कोऑर्डिनेटेड रिजल्ट्स मिले, हमें इस पर फोकस करना है। एक बात का ध्यान रखना कि जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, इसमें हम पूरे के पूरे बिजनेस को एज अ होल देखते हैं। मतलब मैं पूरे के पूरे बिजनेस को ऑब्जर्व करूंगा और शुरू से लेकर आखिरी तक जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनको मोस्ट कोऑर्डिनेटेड वे में जमाने का प्रयास करूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक प्रोसेस के बारे में दिमाग लगाऊंगा, मैं पहली प्रोसेस का इफेक्ट आखिरी प्रोसेस पे क्या पड़ने वाला है इसको भी कंसिडर करूंगा और मैं पूरे बिजनेस को एज अ होल देखकर
मैं अपनी बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग करूंगा, बिजनेस प्रोसेस का डेवलपमेंट करूंगा, ठीक है। तो आप लोग यहां पे बोल सकते हैं चार मेजर इश्यूज हैं। पहला फंडामेंटल रीथिंकिंग, दूसरा रेडिकल चेंजेस, दूसरा रेडिकल रीडिजाइन, तीसरा है ड्रामेटिक चेंजेस, और चौथा है प्रोसेस ओरिएंटेड, या फिर आप लोग ये लिख सकते हैं होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच मतलब हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोसेस मानकर हम अपना बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है, सर ये बताओ कि बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग क्यों करते हैं, इससे हमें फायदा क्या होता है। सबसे पहला, ओवर द पीरियड हमारी जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं वो कोऑर्डिनेटेड नहीं रही थी। अब बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग करेंगे, पूरा सिस्टम दोबारा डेवलप करेंगे, तो हमारी सारी की सारी प्रोसेसेस जो है वो ज्यादा कोऑर्डिनेटेड होंगी, तो हमारी वर्किंग सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो सबसे पहला टारगेट है सिंप्लीफिकेशन। नंबर दो, कॉस्ट रिडक्शन। ऑब्वियस ही बात है, हम हर काम को करने का पहले से बेहतर तरीका ढूंढेंगे तो हमारा कॉस्ट रिडक्शन अचीव होगा ही होगा। वैसे भी बीपीआर का मेन टारगेट ये है कि हमें अपनी कॉस्ट में मेजर रिडक्शन अचीव करना है। थर्ड वन इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ऑब्वियस ही बात है, अगर हम लोग अपने पूरे बिजनेस सिस्टम को रीडिजाइन कर रहे हैं तो क्वालिटी जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी होगी। ऑपरेशनल एक्सेलेंस अपने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सारी एक्टिविटी सारी प्रोसेसेस अब पहले से ज्यादा कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेगी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अच्छी क्वालिटी का माल मिलेगा, सही टाइम पे डिलीवरी मिलेगी, अच्छी कस्टमर सर्विस मिलेगी, तो ऑब्वियस बात है कस्टमर सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, अगर हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है और क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, मतलब हमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट डिफरेंशिएशन दोनों का कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अचीव हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हमारी स्ट्रांग होगी होगी, ठीक, ओके। अब अगली बात आती है, सर ये बताओ कि बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग की स्टेप्स क्या है। बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग की स्टेप्स क्या है। सबसे पहला, आप अपने बिजनेस प्रोसेस में जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बिजनेस प्रोसेस कंडक्ट होती है, उन सारी की सारी प्रोसेसेस को आप आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। हर एक बिजनेस प्रोसेस में आप आइडेंटिफाई करो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कौन कौन सी है और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज जो है वो कौन कौन सी है। रीडिजाइन ऑल वैल्यू एडेड प्रोसेसेस रेडिकली। जितनी भी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं, जितनी भी वैल्यू एडेड प्रोसेसेस हैं, उनको आप रीडिजाइन करो नए सिरे से। रेडिकली मतलब नए सिरे से, जीरो से। तो जो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं, जो वैल्यू एडेड प्रोसेसेस हैं, उनको आप रेडिकली रीडिजाइन करो। और ऑब्वियस बात है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को और नॉन वैल्यू एडेड प्रोसेसेस को तो बंद करना ही है। असेंबल एंड इंप्लीमेंट ऑल बिजनेस प्रोसेसेस। और आपने जो इंडिविजुअल बिजनेस प्रोसेस आपने डेवलप किए हैं, अब उनको इंटीग्रेट करो, अब उनको असेंबल करो और इंप्लीमेंट करो, ठीक है। सबसे पहले सारी प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करो, उनमें से कौन सी वैल्यू एडेड है, कौन सी नॉन वैल्यू एडेड है वो आइडेंटिफाई करो। नॉन वैल्यू एडेड को बंद करना है। वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को, वैल्यू एडेड प्रोसेसेस को रेडिकली रीडिजाइन करना है। और नंबर चार, अब सारी की सारी प्रोसेसेस जो आपने रेडिकली रीडिजाइन कर ली, उन्हें असेंबल करो और असेंबल करके इंप्लीमेंट करो, ठीक है। आइए अगला टॉपिक आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। मतलब बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग के कुल मिलाकर सात प्रिंसिपल हैं। मतलब अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन पे बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग लागू करते हो तो आपको सात प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर ये सात प्रिंसिपल क्या है, बताता हूं। देयर आर सेवन प्रिंसिपल्स। वन प्रोसेस वन पर्सन। एक प्रोसेस को सिर्फ एक ही व्यक्ति कैरी करना चाहिए, इससे मिसकम्युनिकेशन का या क्वालिटी का या फिर WIP बिल्डअप होने का ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। आप लोग को मालूम है हमने इसके बारे में पढ़ा था वर्किंग सेल अप्रोच। बेटा आपको याद है वर्किंग सेल अप्रोच। वर्किंग सेल
कि अगर आप बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग कर रहे हो तो सबसे पहला प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है वर्किंग सेल अप्रोच, मतलब आप सारे एक प्रोसेस में लगने वाली सारी की सारी मशीनों को आप यू शेप में अरेंज कर दो और एक अकेला व्यक्ति ही सारी मशीनों को ऑपरेट करे, तो पूरी प्रोसेस एक ही व्यक्ति ऑपरेट करेगा तो क्वालिटी टेस्टिंग भी लगातार चलती रहेगी, WIP बिल्डअप भी नहीं होगा और कम्युनिकेशन गैप भी नहीं रहेगा। वन प्रोसेस वन पर्सन, मतलब वर्किंग सेल अप्रोच। नंबर दो, इन्वॉल्व कस्टमर ऑल्सो इन अवर बिजनेस प्रोसेस। अपनी बिजनेस प्रोसेस में कस्टमर को भी इक्वली इन्वॉल्व करो। सर इसका मतलब क्या हुआ जरा समझो। आप लोग ने कभी टेलीफोन मिला है कस्टमर केयर पे, तो कस्टमर केयर पे आपको बोलता है हिंदी के लिए अंग्रेजी के लिए एक दवाएं, हिंदी के लिए दो दवाएं, तो आप क्या करते हो हिंदी के लिए दो दवा देते हो। फिर आपको पूछता है कि भैया अगर बैलेंस की जानकारी करनी है तो एक दबाओ, अगर आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करनी है तो दो दबाओ, वैल्यू एडेड सर्विसेज के बारे में जानकारी लेनी है तीन दबाओ, अपनी किसी वैल्यू एडेड सर्विस को बंद करना है तो चार दबाओ, हाँ कि ना। फिर आप उसके अकॉर्डिंग बटन दबाते जाते हो और आप सही जगह तक पहुंच जाते हो। अब जरा एक बात बताओ, यहां पर प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? आप, मतलब कस्टमर। तो जो टेलीफोन कंपनीज हैं उन्होंने कस्टमर को भी अपनी बिजनेस प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लिया, मतलब कस्टमर से भी काम करवाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो दूसरा प्रिंसिपल है, आप कस्टमर को भी अपनी बिजनेस प्रोसेस में इन्वॉल्व करो ताकि कम्युनिकेशन गैप जो है वो और रिड्यूस हो पाए, कम्युनिकेशन गैप खत्म हो पाए, कस्टमर की जो डिटेलिंग हमारे पास आ रही है, कस्टमर की जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो ज्यादा एक्यूरेट जानकारी हमारे पास आए, हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो, हमारा टाइम रिड्यूस हो, हमारी एक्यूरेसी बढ़े, ठीक है। और अल्टीमेटली फायदा किसको? ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक। तीसरा है सेंट्रलाइज द डिसेंट्रलाइज्ड। बेटा जितनी भी एक्टिविटीज डिसेंट्रलाइज्ड हैं उन्हें टेक्नोलॉजी की सहायता से सेंट्रलाइज करने का प्रयास करो। जैसे कि कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे मानो एक रॉ मटेरियल है जो तीन अलग अलग प्रोसेस में काम आता है, ए प्रोसेस में भी काम आता है, बी प्रोसेस में भी काम आता है, सी प्रोसेस में भी काम आता है। अब क्या होगा, ए अपना ऑर्डर प्लेस करेगा, बी अपना ऑर्डर प्लेस करेगा, सी अपना ऑर्डर प्लेस करेगा, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर इन तीनों ऑर्डर्स को कंबाइंड करके सप्लायर के पास पहुंचा देगा। तो हमारा सॉफ्टवेयर तीनों डिपार्टमेंट्स के ऑर्डर को इंटीग्रेट करके, तीनों डिपार्टमेंट्स के ऑर्डर को कंसोलिडेट करके सप्लायर को पहुंचा देगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, हमने टेक्नोलॉजी की सहायता से डिसेंट्रलाइज्ड वर्किंग को भी सेंट्रलाइज्ड वर्किंग की तरह इफेक्टिव बना दिया, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, तीनों डिपार्टमेंट्स का ऑर्डर अगर एक होकर के जाएगा तो हमें क्वांटिटी डिस्काउंट मिल पाएगा, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन के फायदे उठाने लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड वर्किंग के साथ में, और ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, टेक्नोलॉजी की सहायता से। देन कोऑर्डिनेशन बिटवीन पैरेलल एक्टिविटीज। हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो पैरेलल चल रही होंगी और पैरेलल एक्टिविटीज के बीच में हमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाना है। तो चौथा प्रिंसिपल है कि हमारी जितनी भी पैरेलल एक्टिविटीज हैं उन पैरेलल एक्टिविटीज के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, और कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए अपने पास प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो हमारे पास एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे पैरेलल एक्टिविटीज के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे, ठीक है। डिसीजन मस्ट बी मेड बाय द पर्सन हु इज एक्चुअली परफॉर्मिंग द टास्क। यहां पर डिसीजन मेकिंग को डिसेंट्रलाइज करने के लिए बोला गया है। तो बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग का पांचवा प्रिंसिपल कहता है डिसीजन उसी व्यक्ति को लेना चाहिए जो व्यक्ति टास्क परफॉर्म कर रहा है। अब ऑब्वियस ही बात है, जो व्यक्ति टास्क परफॉर्म कर रहा है अगर वही डिसीजन लेगा तो डिसीजन ज्यादा एक्यूरेट होगा, डिसीजन ज्यादा एक्यूरेट होगा, उस डिसीजन की ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी होगी, उस डिसीजन की ज्यादा रिलायबिलिटी होगी और उस डिसीजन की ज्यादा आंसरेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट डिसीजन उसी ने लिया है जिसने टास्क परफॉर्म किया है, तो रिजल्ट के प्रति जवाबदेही भी उसकी अब ज्यादा होगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आता है कि सर डिसीजन लेने वाला व्यक्ति, टास्क परफॉर्म करने वाला व्यक्ति
लोअर लेवल एम्प्लॉय होता है उसको डिसीजन लेने के लिए उतनी ट्रिक्स और उतनी टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करना है वो उसे नहीं आएगा, तो उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं। अब कंप्यूटर में एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप कर लिए गए हैं और एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो लोअर लेवल एम्प्लॉयज को भी हायर लेवल डिसीजन लेने में सहायता कर देता है, तो लोअर लेवल एम्प्लॉय भी हायर लेवल एम्प्लॉयज की तरह प्रॉपर डिसीजन ले सकता है, इसके लिए एक्सपर्ट सिस्टम अब डेवलप हो गए। ठीक है, तो ये वाली बात भी हो गई। अच्छा, छठा रूल है, छठा प्रिंसिपल है सिंगल एंट्री इन डेटाबेस। ये कहता है किसी भी एक इंफॉर्मेशन की जानकारी एक ही बार डलनी चाहिए, मतलब ड्यूप्लीकेसी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब एक पर्टिकुलर चीज के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन डालनी है तो वो इंफॉर्मेशन एक ही व्यक्ति के द्वारा इनपुट की जानी चाहिए, और मेन बात ये इंफॉर्मेशन हमेशा सोर्स पॉइंट पर इनपुट होनी चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैन बी प्रिसीडेड बाय ओनली वर्किंग डिपार्टमेंट्स, और जो इंफॉर्मेशन है उनकी प्रोसेसिंग सिर्फ वर्किंग डिपार्टमेंट्स के द्वारा प्रोसेस की जानी चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट्स के द्वारा प्रोसेस की जा सके जो वर्किंग डिपार्टमेंट्स है, जो नॉन वर्किंग डिपार्टमेंट्स है उनके द्वारा नहीं। मतलब प्रोडक्शन कितना हुआ ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपडेट करेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं करेगा। मतलब जो वर्किंग डिपार्टमेंट है वही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, दूसरा डिपार्टमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बेटा ये 7 प्रिंसिपल हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के। क्या है 7 प्रिंसिपल? पहला प्रिंसिपल है एक व्यक्ति जो है वो एक प्रोसेस को एक ही व्यक्ति पूरा का पूरा कंडक्ट करेगा। दूसरा, कस्टमर को भी इन्वॉल्व करो अपनी बिजनेस प्रोसेस में। नंबर 3, टेक्नोलॉजी की सहायता से डिसेंट्रलाइज्ड वर्किंग को भी सेंट्रलाइज्ड वर्किंग के फायदे प्रोवाइड करो। जितनी भी पैरेलल एक्टिविटीज हैं उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करो। इसके अलावा डिसीजन हमेशा उसी व्यक्ति के द्वारा लिया जाना चाहिए जो टास्क परफॉर्म कर रहा है, और इसके लिए एक्सपर्ट सिस्टम की सहायता ली जा सकती है। फिर जो डेटाबेस में एंट्री है वो सिंगल पॉइंट पर ही होनी चाहिए। ठीक है, और वो भी कहां पर? सोर्स पॉइंट पर। एंड लास्ट, जो इंफॉर्मेशन है वो उसी डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस की जानी चाहिए जो वर्क कर रहा है। ठीक है, डन। तो बेटा ये 7 प्रिंसिपल हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के, बात खत्म। चलिए तो बेटा इसी के साथ में हमारा जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का टॉपिक है वो भी यहां पर कंप्लीट हो जाता है, और मुझे यहां पे दिख रहा है कि हमारी जो क्लास का टाइम है वो भी यहां पर खत्म हो गया है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग आगे की बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में। दोस्तों, जितनी बातें मैं रोजाना अपने लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाता जाता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर जाकर के ये पूरे के पूरे पॉइंट्स, ये पूरी की पूरी बातें आप लोग दोबारा जरूर पढ़ते होंगे, रिवाइज जरूर करते होंगे, आप याद जरूर करते होंगे। और विश्वास मानिए दोस्तों कि अगर आपने ये थ्योरी का पोर्शन जो मैं लगातार आप लोगों को पढ़ाता जा रहा हूं, समझाता जा रहा हूं, अगर घर जाकर आप लोग इसे लगातार रिवाइज करते जा रहे हो तो आपको एग्जाम में 40 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये गलती ना करें, आप लोग घर जाकर रोजाना जरूर से रिवाइज करें। चलिए दोस्तों, तो आज की बात यहीं पर रोक देते हैं, आगे की बात मैं आप लोगों के साथ में करूंगा अपनी कल की क्लास में। तो कल की क्लास में और बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।